हेलो एवरीवन, दिस इज़ वन शॉर्ट वीडियो ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10th। हाउ वी कैन सेट बैकग्राउंड ऑफ एस्टिमेट डॉक्यूमेंट यूजिंग CSS। ओके, तो CSS की हेल्प से हम एस्टिमेट डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, राइट? सो There are five CSS background properties that affect the HTML elements. Okay, तो हमारे पास क्या है, five CSS background properties हैं जिनकी help से हम HTML elements की background को क्या कर सकते हैं, set कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं. Okay, the first one is background color. आप background color चेंज कर सकते हो, background image, बैकग्राउंड में इमेज को सेट कर सकते हैं. बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट मीन्स अगर आपको बैकग्राउंड रिपीट करना है तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. बैकग्राउंड अटैचमेंट, अटैचमेंट में आप इमेज को अटैच कर सकते हैं, राइट? बैकग्राउंड पोजीशन, ओके, इमेज की पोजीशन जो आप बैकग्राउंड में लगाओगे वो इससे आप सेट कर सकते हैं, राइट? तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इनको हम वन बाय वन प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड कलर. तो CSS की हेल्प से हम HTML डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर को कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका, राइट? डॉक टाइप HTML मीन्स यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो किस लैंग्वेज में, वो HTML लैंग्वेज में, राइट? ये किसके लिए होता है डॉक टाइप HTML, जो आप लिखते हो ब्राउजर को बताने के लिए होता है, ठीक है? अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बिकॉज इट्स ऑप्शनल, फाइन, ठीक है? यहाँ पे हम इंटरनल CSS का यूज करें, स्टाइल, स्टाइल. अब मैं यहाँ पे बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, फाइन, यहाँ पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर. आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे हम पिंक दे देते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर पिंक, फाइन. नाउ यहाँ पे आप स्टाइल को क्लोज कर दोगे, देन हेड को क्लोज कर दोगे, फाइन. नाउ वी विल स्टार्ट बॉडी टैग. बॉडी टैग के अंदर आपने दे दिया H1, वेलकम टू CSS क्लास या ट्यूटोरियल, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? H1, फाइन, ओके. यहाँ पे हम एक पैराग्राफ दे देते हैं, This page has, okay. This page has pink background color. Okay. एक हमने सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया एज अ पैराग्राफ, फाइन. बॉडी एंड देन आपका आ गया HTML, ओके. इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस. आप इसका नेम दे दो C1 दे देते, चलो, ठीक है? C1.html, फाइन. नाउ वी विल सी, हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या दिया है, बॉडी बैकग्राउंड कलर दिया है पिंक, फाइन, ओके. सो C1 ओपन विथ गूगल क्रोम ब्राउजर से इसको ओपन किया है, लोड हो रहा है यहाँ पर. देखो आगे रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या आया है, बैकग्राउंड कलर क्या सेट हो गया, पिंक कलर सेट हो गया, फाइन, ओके. तो आपको आपके HTML डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करने के लिए जो है आपका वो एट्रीब्यूट एंड उसकी प्रॉपर्टी कैसे देनी है आपको, बैकग्राउंड, ठीक है, कलर, बैकग्राउंड कलर एंड कॉलन. आपको कलर नेम दे सकते हो आप, ठीक है, कलर कोड भी दे सकते हो, ओके, या फिर इसको RGB फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, फाइन, ओके, ओके. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड -कलर, इसको इसका जो सिंटेक्स है आपको
एट्रीब्यूट का याद रखना है बैकग्राउंड हाइफन कलर, और यहाँ पे आप कलर नेम भी दे सकते हो, आप कलर कोड भी दे सकते हो। अभी मैंने कलर नेम दिया था पिंक, अभी मैं आपको एक एग्जांपल में कलर कोड दे देती हूँ, और या फिर आप आरजीबी फॉर्मेट में भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कलर कोड, ओके, ये मैंने कलर कोड ले लिया है, फाइन। तो बैकग्राउंड हाइफन कलर, फाइन, ये आपने लिया है, ओके, कंट्रोल आ गया है विद द हेल्प ऑफ कलर कोड। यहाँ पे हमने क्या दिया था, कलर कोड दिया था, ओके, और कलर कोड से आपका क्या आ गया, कलर आ गया। पहले हमने कलर नेम दिया था पिंक, अब हमने कलर कोड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे, और आप आरजीबी फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हो, तो फाइन। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन, और कॉलन के बाद या तो आप कलर नेम दोगे या कलर कोड दोगे या फिर आप क्या दोगे, कलर आरजीबी फॉर्मेट में, राइट। एलिमेंट्स को, एस्टिमेल एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो एलिमेंट स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया H1, ओके, क्योंकि मैंने H1 हेडिंग दे रखी है एंड पैराग्राफ, राइट। पैराग्राफ टैग और H1 को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसको हम सेव कर लेंगे, फाइन, ओके। नाउ रिफ्रेश इट, को रिफ्रेश करते हैं क्योंकि एक ही फाइल में हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ आपकी हेडिंग में कलर आया है और आपके किस में आया है, आपके पैराग्राफ में कलर आया है, फाइन। तो दो ही उसमें कलर आया है, हेडिंग में एंड आपका पैराग्राफ में, राइट। नाउ अब हम चाहते हैं जो हमारे एस्टिमेल एलिमेंट्स है उसमें अलग अलग कलर आए। अभी तो हमने क्या किया था, एक साथ सेट कर दिया था H1 और पैराग्राफ टैग का। अब मैं चाहती हूँ दोनों में अलग अलग कलर आए, तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग उनको बैकग्राउंड कलर देना है, फाइन। तो मैंने H1 को दे दिया रेड, ओके। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पी पी टैग, फाइन, और पी टैग में मैंने दे दिया बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन येलो, इसको हम दे देते हैं येलो कलर, ठीक है, येलो, फाइन। तो मैंने क्या किया, दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग कलर दिया है। H1 को मैंने रेड कलर दिया है और पैराग्राफ को मैंने क्या दिया है, येलो कलर दिया है, ठीक है। सेव करेंगे, नाउ वी विल रिफ्रेश इट। अब देखो H1 में क्या आया, रेड कलर, और पैराग्राफ में क्या आ गया आपका, येलो कलर। तो आप अलग अलग एलिमेंट्स को भी अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, फाइन, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। आप कंप्लीट पेज के लिए भी क्या कर सकते हो, एज अ बैकग्राउंड इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, या पर्टिकुलर एस्टिमेल एलिमेंट के लिए इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, ओके। बाय डिफॉल्ट द इमेज इज रिपीटेड सो इट कवर्स द एंटायर एलिमेंट, लेकिन बाय अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप बैकग्राउंड सेट करते हो वो इमेज अपने आप को रिपीट करती है और कंप्लीटली वेब पेज को कवर करती है, फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज देंगे, फाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आप क्या दोगे, हेड टैग के अंदर स्टाइल, ओके, हम ये ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस फाइल बनाई थी हम उसी को यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हम लेते हैं बॉडी, बॉडी टैग, फाइन। अब बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, ये आपको इसका जो सिंटेक्स होता है वो लर्न करना होगा, कैसे होता है, बैकग्राउंड हाइफन इमेज कॉलन, कॉलन के बाद आप दोगे यूआरएल, यूआरएल मतलब उसका डेस्टिनेशन, उसका सोर्स कहाँ पर है, ओके। यहाँ पे आप दोगे इमेज का यूआरएल, बैकग्राउंड इमेज सेट हो गई है, ठीक है, पूरे हमारे कंप्लीट वेब पेज के लिए, ओके। तो हमारा क्या था सिंटेक्स, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, ओके, कॉलन यूआरएल, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने इमेज का यूआरएल दे दोगे, फाइन। तो इन दिस वे यू कैन सेट बैकग्राउंड फॉर योर वेब पेज, ओके, आप इमेज एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, फाइन, ओके। अब मुझे कंप्लीट वेब पेज पे इमेज नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पी टैग पर बॉडी की जगह पी टैग लगा दिया, तो मेरी जो इमेज है वो कहाँ आएगी, एज अ बैकग्राउंड पी टैग पे, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइन, ओके। नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या है, सिर्फ पी टैग में एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट होके आती है, ठीक
ठीक है। देखो सिर्फ पी टैग में आ रहा है, हेडिंग में नहीं आ रहा है, कंप्लीट वेब पेज पे नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया था, यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया था। अगर मैं H1 भी चाहती हूँ, मान लो H1 भी चाहती हूँ, तो H1 भी कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, फाइन ओके, एंड इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। तो देखो H1 में भी आ गया है और P टैग में भी आ गया, तो ये जो एलिमेंट्स आपने स्पेसिफाई किया है उनका इमेज एज अ बैकग्राउंड आ गया, फाइन ओके। नाउ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो बैकग्राउंड इमेज होती है वो रिपीट करती है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप चाहते हो वो या तो हॉरिजॉन्टली रिपीट करे या वर्टिकली रिपीट करे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बॉडी टैग का ही यूज करती हूँ और बताती हूँ कि अगर आपको हॉरिजॉन्टली देना है तो आप कैसे हॉरिजॉन्टली उसको रिपीट करोगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपने अभी जब बॉडी टैग यूज किया था तो वो कंप्लीट पेज को कवर कर रही थी, और तो दोनों डायरेक्शन में रिपीट हो रही थी, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी, फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपको क्या चाहिए कि आपको हॉरिजॉन्टली उसको रिपीट करना है, फाइन, अपने इमेज को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के साथ आप दोगे, यहाँ पे आप बैकग्राउंड रिपीट एट्रीब्यूट का यूज करोगे, बैकग्राउंड रिपीट रिपीट ओके, एंड रिपीट में दोगे आप रिपीट एक्स, एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल रिपीट, फाइन। तो हम सेव कर लेते हैं, नाउ रिफ्रेश, को रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली रिपीट कर रहा है, फाइन। आपका बैकग्राउंड क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, फाइन। और अगर आपको क्या करना है, वर्टिकली रिपीट करना है, तो आप यहाँ पे दे दोगे रिपीट एक्स की जगह रिपीट वाई, ओके, हमने रिपीट वाई दे दिया, कंट्रोल एस कर दो, फाइन, एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, तो क्या हुआ, ये वर्टिकली रिपीट कर रहा है, ओके, ये वर्टिकली हो गया, ओके। और आप चाहते हो आपकी बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना करे, सिर्फ एक ही बार आए, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड रिपीट में क्या दे दोगे, उसकी वैल्यू नो रिपीट, ओके, नो रिपीट, नो रिपीट मीन्स अब वो सिर्फ एक बार आएगी, वो रिपीट नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो सिर्फ एक बार आई है आपकी बैकग्राउंड इमेज, उसने रिपीट नहीं किया है, ओके ओके तो नो रिपीट से क्या हुआ, आपकी इमेज क्या है, सिर्फ एक बार आ रही है बैकग्राउंड इमेज। अगर आप बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, उसको इस ऐसी डायरेक्शन में चाहते हो जहाँ पे वो टेक्स्ट से ज्यादा इंटरफेयर ना करे, आपको टेक्स्ट क्लियरली दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड पोजिशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजिशन, फाइन। आपने दिया बैकग्राउंड पोजीशन, जैसे मैंने बैकग्राउंड पोजीशन इमेज की दे दी है, राइट टॉप, मतलब राइट में टॉप पर आए इमेज, और मैं मार्जिन देती हूँ राइट मार्जिन, तो आ गया मार्जिन राइट राइट 200 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैंने इसकी पोजीशन दे दी कि बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट कर दिया, तो एक ही बार आएगी, और उसकी मैंने पोजीशन दे दी राइट टॉप। ऐसे आप बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इनको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस एंड देन रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, देखो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, उसकी पोजीशन क्या हो गई, राइट टॉप हो गई है, ओके, और राइट से उसका मार्जिन जो हमने दिया था वो आ गया पिक्सल्स में, फाइन, 200 पिक्सल्स, थोड़ा सा इसको ओके। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो हम इसके अंदर देंगे, वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करती है, इट स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और बी फिक्स्ड, ओके, या तो क्या आपकी जो इमेज है वो स्क्रॉल करेगी, मतलब ऊपर नीचे जाएगी अलोंग विद द टेक्स्ट, या फिर एक जगह पे फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे हम इसको देंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट एट्रीब्यूट को,
फाइन, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट, हमने इसको दे दिया फिक्स्ड। ओके अब यहाँ पे जो हमारा ये टैग है, अब ये पेज स्क्रॉल भी करना चाहिए, अभी तो हमने बहुत छोटा सा पेज बनाया है, तो हम क्या करते हैं अपने पेज को थोड़ा सा बिग कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये टैग है इसको हम रिपीट कर देते हैं, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी। ओके इसको हम क्या करते हैं रिपीट कर लेते हैं। ओके कंट्रोल वी 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 वी, कंट्रोल वी वी वी, इससे क्या होगा इतना आपका पेज हो जाएगा कि वो ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सके। ओके फाइन, इतना हमने कर लिया है। ठीक है कंट्रोल वी, इतना हमने बॉडी के अंदर दे दिया है, बॉडी टैग हमारा हो गया। ठीक है ओके लेट अस सी, अब देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पे। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड दिए कि पेज तो स्क्रॉल करे बट वो फिक्स रहे, तो अब इसको हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले, तो रिफ्रेश फाइन, तो ये हमारा आ गया है। अब देखो जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपका पेज स्क्रॉल कर रहा है, आपका टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है बट आपकी इमेज फिक्स है। ओके ओके क्योंकि हमने वहां पे एट्रीब्यूट में क्या दिया है, फिक्स दिया है, इमेज को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है फाइन, इसलिए वो क्या हो रहा है, वो स्क्रॉल नहीं कर रही है। ओके अब यहां से हम क्या है फिक्स्ड को हटा देते हैं एंड स्क्रॉल कर देते हैं, स्क्रॉल कर दिया फाइन, तो अब आपकी इमेज क्या करेगी, स्क्रॉल करेगी अप एंड डाउन। इसको सेव कर लेते हैं। ओके नाउ रिफ्रेश, रिफ्रेश फाइन, तो देखो अब इमेज भी आपकी स्क्रॉल करेगी अलोंग विद द टेक्स्ट। ओके नाउ वी विल सी हाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एस्टिमल एलिमेंट, हम एक एस्टिमल एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके तो इसके लिए हम अपनी डॉक्यूमेंट कर बनाते हैं। ठीक है यहाँ पे मैं लिख दिया डॉक टाइप HTML, एंड आई हैव टोल्ड यू डॉक टाइप का क्या मीनिंग होता है, ये ब्राउजर को बताता है कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है फाइन। HTML बॉडी। ओके अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पर्टिकुलर एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज कर रही हूँ, मैंने H1 ले लिया, H1 स्टाइल बैकग्राउंड कलर। ओके H1 स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं ब्लू, ब्लू दे देते हैं, चलो बैकग्राउंड कलर ब्लू फाइन, और हमारी हेडिंग है, हमारी हेडिंग है वेलकम टू CSS क्लास। ओके H1। ओके नेक्स्ट हम देते हैं पैराग्राफ को पी टैग दे दिया, उसके अंदर हमने दे दिया स्टाइल फाइन, स्टाइल में आप बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को कलर दे रहे हैं फाइन, हेडिंग को कलर दे रहे हैं और पैराग्राफ को कलर दे रहे हैं। कलर कलर आप यहाँ पे इसको दे दो पिंक कलर दे देते हैं, पिंक फाइन, पिंक कलर। ओके अब यहाँ पे आप कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML टेक्स्ट मार्कअप। ओके ये मैंने पैराग्राफ ऐसे ही बना दिया, इसको हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया फाइन, देन वी विल क्लोज द बॉडी टैग। ओके एंड देन HTML
राइट। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एस्टिमेल एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। फाइन, तो हमने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज किया है। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, इसको मैं कुछ भी नेम देती हूँ, f1.html इसको नेम दे दिया। फाइन, ओके। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, किसी भी ब्राउजर से कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी कर सकते हैं, और आप इसको गूगल क्रोम से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर से इसको ओपन किया। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमारी हेडिंग थी उसमें ब्लू कलर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है। और हमने पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर क्या दिया था, पिंक। तो अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, पिंक कलर। फाइन, तो यहाँ पे क्या किया हमने, पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या दिया, बैकग्राउंड कलर दिया। ओके ओके, अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर नहीं देना है, सिर्फ कलर देना है। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट कलर देना है। तो यहाँ से आप क्या दोगे, बैकग्राउंड को मैंने हटा दिया, कलर एट्रीब्यूट का मैं यहाँ पे यूज करूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर देना है, राइट, टेक्स्ट का कलर देना है। तो मैंने क्या किया, H1 स्टाइल में कलर आपका ब्लू है, ओके। एंड पी में आपने क्या दिया है, मतलब पैराग्राफ में आपने क्या दिया, कलर, टेक्स्ट कलर आपने दिया है पिंक। फाइन, इसको हम सेव कर लेते हैं, ओके, कंट्रोल एस, सेव। फाइन, ओके, नाउ यू सी द रिजल्ट। यहाँ पे देखो हमारा ब्लू कलर आ रहा है, टेक्स्ट कलर, एंड इसका पिंक आ रहा है। पिंक बहुत लाइट सा लग रहा है, तो हम इसका रेड कर देते हैं, पिंक की जगह रेड कलर ले लेते हैं, रेड, रेड, सेव, एंड देन रिफ्रेश। ठीक है, देखो रेड कलर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये टेक्स्ट कलर दिया है, किस कलर एट्रीब्यूट को यूज करके। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया, कलर एट्रीब्यूट का यूज किया है, कलर ब्लू H1 के लिए एंड कलर रेड पैराग्राफ के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ CSS बॉर्डर्स वी कैन अप्लाई बॉर्डर्स ऑन HTML एलिमेंट। हम HTML एलिमेंट्स के ऊपर बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। वी कैन प्रोवाइड देम डिफरेंट स्टाइल विथ एंड कलर, ओके, डिफरेंट स्टाइल विथ एंड कलर ऑफ द बॉर्डर्स विच इज सराउंडिंग द HTML एलिमेंट। ठीक है, तो जो बॉर्डर सराउंड HTML एलिमेंट को एनक्लोज करके, जिस बॉर्डर से वो एनक्लोज हुआ है, ओके, तो उसको हम डिफरेंट क्या दे सकते हैं, उसको हम डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, डिफरेंट विड्थ दे सकते हैं। फाइन, तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है बॉर्डर्स का, लाइक डॉटेड, डॉटेड क्या होगा, डॉटेड बॉर्डर को डिफाइन करेगा, डैश्ड, डैश्ड क्या होगा, डैश बॉर्डर को डिफाइन करेगा, सॉलिड लोगे तो सॉलिड बॉर्डर को डिफाइन करेगा। तो ऐसे वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स फॉर द बॉर्डर्स, राइट। तो यहाँ पे हम बॉर्डर का स्टाइल करने जा रहे हैं। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट, राइट, वी आर स्टार्टिंग विद द डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, किस लैंग्वेज में है। तो ये हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि वो हमारा HTML का है। फाइन, सो हियर वी हैव हेड टैग, देन इन द हेड वी हैव स्टाइल टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरनल CSS का यूज कर रहे हैं। फाइन, इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे, ये मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है, कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पी एक क्लास मैंने क्रिएट की डॉटेड, राइट, लेकिन मैंने उस क्लास को पहले, जब आप एक क्लास क्रिएट करते हो वो सबके लिए अप्लाई होती है, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, एलिमेंट स्पेसिफिक बना दिया। मैंने वो क्लास सिर्फ किसके लिए बना दी है, पी टैग के लिए बना दी है, मतलब पैराग्राफ टैग के लिए बना दी है। फाइन, ओके, एंड दैट आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि कैसे क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल हमने इसमें दे दिया डॉटेड। फाइन, देन नेक्स्ट क्लास पी डॉट डेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, तो ये हमारा हो गया बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल हम इसमें लेते हैं डेस्ट। फाइन, ओके, देन पी डॉट सॉलिड। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल आप क्या लोगे, सॉलिड। फाइन, नेक्स्ट हम देंगे पी डॉट डबल, डबल बॉर्डर।
बॉर्डर स्टाइल तो हम क्या करें, क्लास क्रिएट करें और उसके अंदर हम डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर क्या दे रहे हैं, एट्रीब्यूट एंड उसकी वैल्यू. तो एट्रीब्यूट हमारा क्या है, बॉर्डर स्टाइल, और उसकी वैल्यूज हम डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं. जैसे हमने दिया डॉटेड, डैश, सॉलिड. ओके, तो यहाँ पे क्लास की जो भी आप क्लास, अब ये जो आप डबल वाली क्लास है मान लो, वो आप जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई, यहाँ पे लेकिन हमने पैराग्राफ स्पेसिफिक बना दिया है, तो क्या होगा, तो जिस भी एलिमेंट पे आप डबल वाली क्लास अप्लाई करोगे, मीन्स आप जिस भी पैराग्राफ पे आप डबल वाली क्लास अप्लाई करोगे, तो वो क्या होगा, डबल बॉर्डर उसपे आपका शो होगा. फाइन, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल हमारा आ गया डबल. फाइन, फिर हमने दिया पी डॉट ग्रूव. बॉर्डर स्टाइल हमारा है ग्रूव ग्रूव. फाइन, नेक्स्ट हम देते हैं पी डॉट रिज. ओके, बॉर्डर स्टाइल रिज. फाइन, देन पी डॉट इनसेट. तो यहाँ पे हम क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर स्टाइल रिज. ओके, रिज वी हैव डन, वी दिस इज इनसेट इनसेट. ओके, देन पी डॉट आउटसेट बॉर्डर स्टाइल आउटसेट, देन पी डॉट नन. नन में क्या होगा, बॉर्डर अप्लाई नहीं करेगा. ओके, बॉर्डर स्टाइल नन. ओके, नेक्स्ट वी हैव पी डॉट हिडन. हिडन में क्या होगा, बॉर्डर तो होगा बट इट विल नॉट बी विजिबल. बॉर्डर स्टाइल हिडन. फाइन, देन पी डॉट मिक्स. मिक्स क्या है, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स दे सकते हो. बॉर्डर अपने एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स दे सकते हो. जैसे आपने दे दिया डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल. फाइन, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टाइल को क्लोज कर देंगे. ओके, एंड हेड को क्लोज कर देंगे. देन वी विल स्टार्ट आर बॉडी. बॉडी टैग हमने स्टार्ट किया, ठीक है. बॉर्डर में हम देते हैं H1. H1 में द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी H1. ओके, देन वी विल गिव द पैराग्राफ टैग हियर. पैराग्राफ, ठीक है. दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर्स टू डिस्प्ले. चलो इसको रहने देते हैं. अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का यूज करते हैं. फाइन, पी, पहले फर्स्ट क्लास यूज करते हैं, पी क्लास. तो यहाँ पे हमने डॉटेड क्लास को अप्लाई किया, डॉटेड. ओके, पी क्लास डॉटेड. ओके, अब हम यहाँ पे ले लेंगे अ
डॉटेड बॉर्डर। ओके ये पैराग्राफ दे दिया हमने एंड पी क्लोज। नेक्स्ट क्लास पी क्लास, यहाँ पे हमने दिया डैश्ड क्योंकि जितनी भी हमने क्लासेस बनाई है अब हम उनको यूज करेंगे ठीक है अपने पैराग्राफ पे। तो इसका दे दिया अ डैश्ड वॉटर। ओके देन पी क्लास सॉलिड सॉलिड। ओके इसमें हमने दिया अ सॉलिड वॉटर। ओके नेक्स्ट वी हैव डबल पी क्लास डबल। ठीक है इसमें हम दे देंगे अ डबल बॉर्डर। नाउ पी क्लास रूफ। ओके यहाँ पे हम लेंगे अ रूफ बॉर्डर। फाइन देन पी क्लास जितनी भी क्लासेस बनाई है सबको हम यूज करते हैं। पी क्लास हमारी क्या है रिच। ओके अ देन पी क्लास इंसेट अ इंसेट बॉर्डर। फाइन तो जो जो क्लासेस है उसकी फॉर्मेटिंग उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है तो अब हमारा है पी क्लास हाउस सेट। ठीक है आ सॉरी एन एन आएगा ना क्योंकि ओ है एन हाउस सेट बॉर्डर। फाइन देन वी हैव पी क्लास नन। ओके इसमें आएगा हमारा नो बॉर्डर। ओके देन वी हैव पी क्लास हिडन। सो हियर वी हैव अ हिडन बॉर्डर। ओके देन पी क्लास मिक्स। इसमें क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स आएंगे एक ही एचटीएमएल पैराग्राफ पे। ठीक है मिक्स्ड बॉर्डर। ओके देन बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज। ओके ये हमारा हो गया है इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस। इसको दे देते हैं हम बी ओ आर डी एल बॉर्डर डॉट एस टी एम एल। सेव कर दिया बॉर्डर डॉट एस टी एम एल के नेम से। फाइन ये हमारी फाइल है इसको ओपन विद ब्राउजर कर देते हैं। ओके अब देखो ये लोड हो रहा है। फाइन सी सबसे पहले हमने क्या दिया था डॉटेड बॉर्डर। तो हमारा डॉटेड बॉर्डर आया है ठीक है डॉट्स वाला बॉर्डर आया है। ठीक है
देन सेकेंड हमने क्या दिया था, डैश्ड बॉर्डर, तो यहाँ पे हमारा डैश्ड बॉर्डर आया है, फाइन। देन हमने क्या दिया था, सॉलिड बॉर्डर, सॉलिड आया है कम्प्लीटली, ठीक है, सॉलिड बॉर्डर आया है। देन डबल बॉर्डर, देखो ये इसकी लाइनिंग डबल है, डबल बॉर्डर आया है, फाइन। देन ग्रुप बॉर्डर, दिस इज योर ग्रुप बॉर्डर, एंड देन रिज बॉर्डर, फाइन। देखो इसमें क्या, जो इसकी आउटलाइनिंग है इज लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट, फाइन। देन हमारा है इनसेट बॉर्डर, दिस इज योर इनसेट बॉर्डर, ओके, एंड दिस इज योर आउटसेट बॉर्डर, फाइन, ओके। देन यू हैव नो बॉर्डर, इसमें आपका बॉर्डर नहीं है, हिडन बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर है बट इट्स नॉट विजिबल। अब क्या है, हमारा मिक्स बॉर्डर आया है, ठीक है। मिक्स बॉर्डर में क्या है, हमने डिफरेंट डिफरेंट उस पर अप्लाई की थी, फाइन, डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर क्या किया था, हमने दिया था इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया था, डॉटेड, तो हमारा क्या है, जो आपका अपर बॉर्डर है वो डॉटेड आया है, फाइन। देन आपने दिया था डैश्ड, डैश्ड जो आपका राइट वाला बॉर्डर है वो आया आपका डैश्ड। देन आपने लिया था सॉलिड, सॉलिड आपका जो ब्लू बॉर्डर है वो सॉलिड आया है। देन आपने लिया था डबल, ठीक है, तो डबल बॉर्डर आपका ये जो लेफ्ट है वो आपका डबल आया। तो सबसे पहले क्या आया है, आपका अपर बॉर्डर, देन राइट बॉर्डर, देन ब्लू बॉर्डर, एंड देन आपका लेफ्ट बॉर्डर, ओके। तो हियर वी हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स टू द बॉर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके। अब हम करेंगे बॉर्डर विथ, ठीक है, कि आप बॉर्डर को विथ कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। अभी हमने क्या किया था, बॉर्डर स्टाइल की हेल्प से बॉर्डर अप्लाई किया था एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप जो आपने बॉर्डर अप्लाई किया है उसकी विथ आप कैसे दे सकते हो, ठीक है, ओके। इट इज सेट इन इन नंबर ऑफ पिक्सल्स, आप इसको पिक्सल्स में सेट कर सकते हो, ओके, या फिर आप प्री डिफाइंड वैल्यूज जो होती है, जो थिन, मीडियम एंड थिक, ओके, ये वैल्यूज स्पेसिफाई करके भी आप बॉर्डर की विथ को अप्लाई कर सकते हो, मतलब बॉर्डर विथ को चेंज कर सकते हो, ओके। एंड वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि पहले आपको बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करना है, बॉर्डर स्टाइल जो देना है, फिर आप बॉर्डर विथ दोगे, ठीक है। अगर बॉर्डर स्टाइल नहीं दोगे, प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, तो क्या होगा, बॉर्डर आएगा ही नहीं, फाइन, क्योंकि बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द बॉर्डर, राइट। तो अब हम एक क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाते हैं, फाइन, उसमें हम देखेंगे कि कैसे बॉर्डर की विथ को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। ओके, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल फैट स्टाइल स्टाइल, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल सीएसएस बनाया है, अब हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। वन क्लास का नेम क्या है, वन, लेकिन मैंने इसको पैराग्राफ स्पेसिफिक क्लास बना दिया यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या दूंगी, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉर्डर आएगा ही नहीं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल मैंने देते हैं सॉलिड, ओके, जिससे क्या होगा, सॉलिड इसलिए दिया जिससे बॉर्डर विथ पता चले। अब आप दे दो बॉर्डर विथ, विथ बॉर्डर विथ मैंने दे दिया 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, फाइन। देन मैंने नेक्स्ट क्लास बनी बनाई है p2.2, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आपने अगेन दे दिया सॉलिड, सॉलिड, ओके, बॉर्डर विथ आपने दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक हमारी होती है क्लास वो वैल्यूज, उनको अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया मीडियम, मैंने पिक्सल्स में नहीं दिया, स्पेसिफिक जो वैल्यूज है उनमें दे दिया है मीडियम, फाइन। देन p.3 बॉर्डर स्टाइल आपका हो गया डॉटेड, ओके, एंड बॉर्डर विथ आपने दे दी, यहाँ पे हम देते हैं थोड़ा ज्यादा से देते हैं 8 पिक्सल, 8 पिक्सल, फाइन। देन p.4
फोर क्लास बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल आपने दिया डॉटेड, इसमें भी फाइन, एंड बॉर्डर विथ यहाँ पे हम कह देंगे थिक। ठीक है, हमने पिक्सल्स में नहीं दिया है, स्पेसिफिक जो वैल्यूज होती है वो दिया है। ठीक है, थिक फाइन। ये हमने क्लासेस बना ली है, फोर क्लासेस बना ली है। अब हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे, देन वी विल क्लोज हेड टैग, फाइन, देन वी विल स्टार्ट द बॉडी। अब बॉडी को स्टार्ट करेंगे, बॉडी के अंदर हम दे देते हैं H1 हेडिंग, बी बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी, ओके, द बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी, फाइन। आप देखो, आप इसमें हम क्लास का यूज करेंगे, पी क्लास वन, वन क्लास का यूज करेंगे, ओके, वेलकम टू सीएसएस क्लास, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि इसी को हम कर लेंगे यूज, वेलकम टू सीएसएस क्लास कंट्रोल सी, फाइन। वैसे मैं कंप्लीट कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, सिर्फ क्लास नेम ही तो चेंज करना है हमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें अपनी क्लास का यूज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है पी क्लास टू। ओहो, मैंने अभी हमने कितनी क्लासेस इसमें बनाई है, फोर क्लासेस बनाई है ना, ओके, तो हम फोर क्लासेस का ही यूज कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल भी किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास टू, फाइन, देन कंट्रोल बी, इसमें हम ले लेते हैं क्लास थ्री, थ्री, फाइन, देन कंट्रोल बी, इसमें हम लिख देंगे क्लास फोर, क्लास फोर, फाइन, ओके। नाउ बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज, फाइन। अब ये हमारा क्या बॉर्डर विथ का एग्जाम्पल है, कैसे आपने बॉर्डर विथ इसमें अप्लाई किया। ठीक है, कंट्रोल S सेव करेंगे, पहले हमने बॉर्डर ले लिया था, अब हम लेते हैं बॉर्डर वन करके लेते हैं, बॉर्डर हमने ऑलरेडी बना लिया, वन HTML, फाइन, बॉर्डर वन HTML, फाइन, ओके। तो हमारा प्रीवियस फाइल आई हुई है, इसको हम ओपन विद गूगल क्रोम, फाइन। पहले हमने बॉर्डर ओपन की थी, तो बॉर्डर यहाँ पे आई हुई है, बॉर्डर वन। अब देखो, आपने सबसे पहले क्या दिया था, आपने क्लास वन ली थी, ठीक है, क्लास वन में आपने क्या किया था, डॉट आपका जो क्या था बॉर्डर सॉलिड था, फाइन, और 5 पिक्सल था, ओके। देन सेकेंड आपने क्लास टू ली थी, उसमें भी बॉर्डर सॉलिड था और बॉर्डर विथ क्या थी, मीडियम, राइट। फर्स्ट में क्या था, बॉर्डर स्टाइल था सॉलिड और बॉर्डर विथ थी 5 पिक्सल, ठीक है। सेकेंड में हमने क्या लिया था, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और बॉर्डर विथ मीडियम, फाइन। थर्ड में हमने लिया था डॉटेड और पिक्सल लिए थे 2 पिक्सल, ठीक है। ऐसे ही हमने 2 पिक्सल आई थिंक हमने लिया था 8 पिक्सल्स, सी, हाँ हमने लिया है 8 पिक्सल्स, ठीक है, 8 पिक्सल्स लिया है, ओके। और यहाँ पे हमने लिया था डॉटेड एंड थिक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी बॉर्डर की जो विथ है उसको अप्लाई किया है, कि डिफरेंट डिफरेंट विथ आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो अपने बॉर्डर को, ओके, किसी भी टाइप के बॉर्डर को, फाइन, ओके। अब अगर हमें एलिमेंट के बॉर्डर्स को
फोर बॉर्डर्स होते हैं, मतलब फोर जो बॉर्डर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट विड्थ प्रोवाइड करनी है, स्पेसिफिक उनको साइड विड्थ प्रोवाइड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमारी एग्जाम्पल बना हुआ है, इसमें बॉर्डर विड्थ हमने 5 पिक्सल ली थी, तो यहाँ पे आप ले लो 20 पिक्सल। और ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसको मैं कमेंट में करके बता देती हूँ कि इसका मीनिंग लिख भी देती हूँ। इसका मीनिंग है 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम। ठीक है, जो जो आपने 5 पिक्सल लिया है वो किसके लिए है, टॉप एंड बॉटम। ओके, एंड 20 पिक्सल ऑन दी साइड्स, मतलब लेफ्ट एंड राइट की जो साइड्स है वहां पे अप्लाई होगी 20 पिक्सल। ओके, समझ आया। अगर आपने दो वैल्यूज लिए हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू है 5 पिक्सल वो किस पे अप्लाई होगी, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर पे, और जो 20 पिक्सल है वो अप्लाई होगी आपकी साइड्स पे, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड पे। अब ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड, ओके, दो एग्जाम्पल लेते हैं, टॉप एंड बॉटम का ले लिया हमने और ये हो गया साइड का। ठीक है, अब क्लास 2 में मैं चाहती हूँ कि सब में अलग अलग आए। ओके, यहाँ पे हमने क्लास 1 ली, ठीक है, क्लास 2 में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, क्लास 2 में आप ले लो 25 पिक्सल, देन 10 पिक्सल, देन 4 पिक्सल एंड देन 35 पिक्सल। ओके, 35 पिक्सल। ओके, तो ये अब कैसे अप्लाई होगा, ये जो आपने दिया है फोर डिफरेंट आपने दिया है विथ, फोर डिफरेंट विथ दिए हैं, तो ये कैसे अप्लाई होंगी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि जो 25 पिक्सल है, ठीक है, वो होगा टॉप बॉर्डर के लिए, फाइन। 10 पिक्सल है, ठीक है, वो होगा आपका राइट बॉर्डर के लिए, राइट साइड के लिए। ओके, जो आपका 4 पिक्सल है, 4 पिक्सल है वो आपका होगा बॉटम के लिए, फाइन। एंड जो आपका 35 पिक्सल है, ठीक है, वो आपका होगा लेफ्ट के लिए, फाइन। ओके, फाइन। अब इधर देखो हमने क्या किया, 2 क्लासेस क्रिएट की, क्लास 1 जिसमें हमने क्या कहते हैं बॉर्डर विद 5 पिक्सल एंड 20 पिक्सल दिया, देन क्लास 2 जिसमें हमने क्या दिया, अलग अलग बॉर्डर को अलग अलग आपने विद साइज दिया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, पी क्लास क्लास 1 को यहाँ पे अप्लाई किया है, फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उस पे, एंड पी क्लास 2 आपने क्लास 2 को इस पे अप्लाई किया है। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl S, फाइन। नाउ और जो हमने क्या किया, बॉर्डर 1 जो अभी फाइल बनाई थी उसमें चेंज किया था, तो हम इसको करके रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश कर देते हैं इसको, रिफ्रेश। ठीक है, तो देखो आपका क्या है, क्लास 1, दिस इज योर क्लास 1, जहां पे हमने क्या किया था, क्लास 1 के अंदर हमने दिया था 5 पिक्सल दिया था, ठीक है, किसको, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर को। ओके, एंड 20 पिक्सल क्या किया था, साइड्स को दिया था, तो ये आपका आ गया टॉप एंड बॉटम का, आ गया आपका 5 पिक्सल्स, एंड साइड्स का आ गया आपका 20 पिक्सल, फाइन। अब जो हमने नेक्स्ट पैराग्राफ दिया था उसमें 25 पिक्सल हमने क्या दिया था, टॉप, देखो 25 पिक्सल आपका टॉप। ओके, 10 पिक्सल आपका राइट, तो यहाँ राइट में हमारा 10 पिक्सल आया है। ओके, 4 पिक्सल बॉटम, 4 पिक्सल आपका बॉटम, एंड 35 पिक्सल आपका लेफ्ट, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेसिफिक साइड्स को स्पेसिफिक विड्थ प्रोवाइड की है। ओके, नाउ वी हैव बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर जो कलर नेम है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हेक्स वैल्यू को यूज कर सकते हो, कलर की जो हेक्स वैल्यू होती है, या आप RGB वैल्यूज को यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे आप बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम है, इसके अंदर हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, लेकिन इट इज मैंडेटरी कि आप पहले बॉर्डर स्टाइल जरूर डिफाइन करोगे, क्योंकि अगर बॉर्डर ही नहीं होगा तो कलर कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे मेरी P1 क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, इसको मैंने कर दिया बॉर्डर कलर, फाइन।
ठीक है, बॉर्डर कलर आपने दे दिया लेट अस सपोज रेड, ठीक है, फर्स्ट को दे दिया बॉर्डर कलर रेड, फाइन। सेकंड में ये हमने बनाई थी पी डॉट टू क्लास, अब यहाँ पे हम देते हैं बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर हम देते हैं ग्रीन, फाइन। ये आपका बॉर्डर कलर आ गया ग्रीन, फाइन। एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं पी डॉट थ्री क्लास, ओके। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल देना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना अगर बॉर्डर स्टाइल नहीं दिया तो बॉर्डर डिस्प्ले ही नहीं होगा, ठीक है। डॉटेड एंड बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर आपने दे दिया ब्लू, फाइन। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, बॉर्डर कलर्स को स्पेसिफाई कर दिया है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, नीचे अपना जो प्रोग्राम है, स्टाइल क्लोज हो गया, स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी के अंदर आप इसमें कर दो बॉर्डर कलर, कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लास वन हमने अप्लाई की, क्लास टू अप्लाई की और अब क्लास थ्री अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी एंड एंड आपका आ गया कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं थ्री थ्री, ठीक है। तो क्लास वन में क्या है, सॉलिड है बॉर्डर एंड कलर रेड, क्लास टू में सॉलिड बॉर्डर कलर ग्रीन एंड क्लास थ्री में डॉटेड बॉर्डर एंड ब्लू कलर, फाइन। तो ये हमने इसको अप्लाई कर दिया, आप देखेंगे इसको हम सेव कर लेते हैं, प्रीवियस फाइल में ही चेंज किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बॉर्डर वन के अंदर ही क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे फाइल को, ठीक है। बॉर्डर वन एंड रिफ्रेश, तो देखो फर्स्ट हमारा क्या था, सॉलिड बॉर्डर रेड कलर, सेकंड हमारा क्या था, सॉलिड बॉर्डर ग्रीन कलर, देन थर्ड हमारा क्या था, डॉटेड बॉर्डर ब्लू कलर, ओके। ये हमारा आ गया है, हमने अप्लाई कर दिया कलर को, फाइन। ओके, अब अगर आप चाहो तो बॉर्डर जो है आपका एलिमेंट का बॉर्डर है उसकी डिफरेंट साइड को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मेरी क्लास वन है, क्लास वन में मैं चेंजेस कर देती हूँ, मैंने रेड कर दिया, देन यहाँ पे ग्रीन दे दिया नेक्स्ट साइड के लिए, देन आपने ब्लू दे दिया और आपने येलो दे दिया। जैसे आप बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करते हो वैसे ही आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे बॉर्डर थिकनेस अप्लाई करते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो रेड है वो कहाँ आएगा, इसको हमेशा याद रख लो, जो फर्स्ट आपने वैल्यू दी है वो कहाँ पे अप्लाई होगी, आपकी फर्स्ट वैल्यू अप्लाई होगी टॉप पर, ठीक है। तो रेड कहाँ जाएगा, टॉप पर, मैं इसको कमेंट में से दे दूं जिससे आपको याद रहे। और देन सेकेंड वैल्यू कहाँ जाएगी, राइट में, तो जो आपका सेकेंड जो कलर है वो कहाँ पे अप्लाई होगा, राइट में। थर्ड जो आपका कलर है, थर्ड जो वैल्यू है वो कहाँ पे अप्लाई होगी, आपके बॉटम में, बॉटम बॉर्डर में, ठीक है। तो ये बॉटम में जाएगा। देन आपका येलो है, येलो आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, फाइन। येलो आपका हो गया लेफ्ट, ओके। ये मैंने विद द हेल्प ऑफ कमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, ओके। तो सेव कर लो, फाइन। अब हम देखो वहां पे क्या करेंगे, अपनी फाइल को रिफ्रेश करेंगे, जो हमने क्लास वन है, क्लास वन के अंदर चेंजेस किए, क्लास टू और थ्री में कोई चेंज नहीं किया है। क्लास वन में इसलिए चेंज किया कि आपको दिखाने के लिए कि आप एक ही एलिमेंट के बॉर्डर्स के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो, फाइन। अब इसको रिफ्रेश करो, देखो जो आपने फर्स्ट क्या दिया था, रेड अपर बॉर्डर, देन ग्रीन, ग्रीन कहाँ गया, राइट में, ब्लू बॉटम पर, और येलो कहाँ पर है आपका, लेफ्ट, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो एक ही बॉर्डर पे, फाइन। ओके, अभी आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर बॉर्डर प्रोवाइड किया, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बॉर्डर प्रोवाइड किए। अब हम एक ही एलिमेंट के अंदर बॉर्डर की डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही एलिमेंट के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे, इसको हम बना अभी यहाँ पे प्रोग्राम की हेल्प से बना के देखते हैं, ठीक है। तो आपका आ गया डॉक टाइप मींस डॉक्यूमेंट टाइप, आपका क्या है, HTML, फाइन। HTML देन आपका है हेड, ओके, HTML हेड लिख दिया, HTML लिखने की वजह, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव द HTML टैग, देन हेड, ठीक है। हेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंटरनल CSS क्रिएट कर रहे हैं, फाइन। इंटरनल सीएसएस में मैंने क्या किया, पी पी एलिमेंट के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर
बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर, टॉप स्टाइल, मतलब टॉप बॉर्डर को मैं दे रही हूँ, टॉप बॉर्डर को मैंने कर दिया डॉटेड, डॉटेड, देन बॉर्डर, बॉर्डर, राइट बॉर्डर, राइट स्टाइल, राइट स्टाइल, फाइन, इसको कर दिया आपने सॉलिड, ओके, देन बॉर्डर, बॉटम, बॉटम, बॉटम बॉर्डर को आपने कर दिया डॉटेड, फाइन, बॉर्डर, लेफ्ट स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल दे रहे हो, ठीक है, सॉलिड, फाइन, ओके। पैराग्राफ के अंदर हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया, देन आपने हेड को क्लोज कर दिया, देन बॉडी टैग इज स्टार्टिंग, इसके अंदर आप हेडिंग दे दो H1, H1 दे दिया आपने, हिंदी, विजुअल, बॉर्डर, साइड्स, ठीक है। तो आप साइड्स के ऊपर क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल बॉर्डर स्टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये हमारा हो गया H1 हेडिंग, ओके। अब आपने पैराग्राफ टैग को यूज किया, ठीक है, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स, और यहाँ पे आपने लिख दिया, पैराग्राफ में लिखा डिफरेंट, DWFENT, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल, ओके, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, ठीक है, सेव कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने न्यू फाइल बनाई थी, इसको बॉर्डर टू नेम देते हैं, बॉर्डर टू डॉट HTML, फाइन। अब इसको हम ओपन करते हैं, बॉर्डर टू ओपन विद गूगल क्रोम ले लेते हैं, फाइन। देखो अब ये ओपन हो रही है, हमने एक पैराग्राफ दिया था और उसमें डिफरेंट स्टाइल दिए थे, जो आपका टॉप था वो क्या था, डॉटेड, ठीक है, राइट आपने क्या दिया था, सॉलिड, ओके, देन अगेन आपने बॉटम क्या दिया था, डॉटेड, एंड लेफ्ट आपने क्या दिया था, सॉलिड। तो देखो एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स भी अप्लाई कर दिए, फाइन। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को भी डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर, ओके। और जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है, इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं सिंपली ये पूरा इंडिविजुअल देने की जगह आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको क्या देना है, दो आप वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया बॉर्डर स्टाइल, ओके। तो फर्स्ट मैंने वैल्यू दी है डॉटेड, तो कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, टॉप एंड बॉटम पे, ठीक है, एंड दे दिया सॉलिड, जो मैंने अभी बनाया था ये बिल्कुल सेम वही वो है, वही है, ठीक है। सॉलिड कहाँ पे अप्लाई अप्लाई होगा, राइट एंड लेफ्ट साइड्स पे, ठीक है, Ctrl S, फाइन। तो देखो इसको रिफ्रेश करूंगी तो रिजल्ट इसका सेम ही आएगा, सेम रिजल्ट है, क्यों, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट जो है डॉटेड वो कहाँ अप्लाई होगा, आपका टॉप बॉर्डर पे एंड बॉटम पे, और सॉलिड कहाँ होगा, आपका दोनों साइड्स पर। तो ये हमने इसको क्या किया, पहले जो मैंने बनाया था वो थोड़ा बिग था, तो मैं इसको स्मॉल करके बता दिया, ठीक है। नाउ वी हैव CSS शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज मीन्स जब आप एक पर्टिकुलर क्या करते हो, HTML एलिमेंट पर, ओके, जो बॉर्डर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनको छोटा करके एक साथ अप्लाई करते हो, ठीक है, उनको एक साथ अप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, फाइन। तो जैसे हमारे यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम पहले बनाया था, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, तो बॉर्डर है, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को मुझे एक साथ, दो तीन प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बॉर्डर टैग का यूज करूंगी सिंपल, ठीक है, कॉलन। अब मैंने दिया 5 पिक्सल, 5 पिक्सल क्या हो गया, उसकी विथ हो गई, देन आई गिव सॉलिड, सॉलिड क्या हो गया, उसका स्टाइल हो गया, एंड रेड, रेड क्या हो गया, उसका कलर हो गया। तो ये क्या, मैं इसको शॉर्ट करके मैंने बॉर्डर को एक साथ तीन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी, बॉर्डर विथ,
ठीक है, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, फाइन इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस, फाइन बॉर्डर टू। अब देखो बॉर्डर टू हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसको मैं क्या करूंगी, रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगी, दिस इज आवर बॉर्डर टू एंड देन रिफ्रेश। ठीक है, तो अब देखो 5 पिक्सल हो गई है उसकी विथ, ओके बॉर्डर आपका हो गया सॉलिड एंड कलर क्या हो गया इसका रेड। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, शॉर्ट एंड मीन्स शॉर्ट करके एक साथ बॉर्डर पे कितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं पैराग्राफ टैग के बॉर्डर पर। ठीक है, बॉर्डर देन 5 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, ओके। और अगर आपको कंप्लीट बॉर्डर के ऊपर ही अप्लाई नहीं करना है, बॉर्डर की किसी साइड पे अप्लाई करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, उस पर्टिकुलर साइड को हम यूज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने किया बॉर्डर लेफ्ट दे दिया, ठीक है लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट दे दिया, ओके। आप इसको सेव कर दो, कंट्रोल एस कर दो, ठीक है फाइन। अब देखना हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश तो सिर्फ हमने क्या दिया, लेफ्ट पे दिया, फाइन। तो आपका सिर्फ लेफ्ट पे ही क्या आ रहा है, ये जो भी प्रॉपर्टी आपने दी थी, ओके पिक्सल्स उसकी साइड वगैरह, तो क्या हुआ है, और बॉर्डर भी सिर्फ लेफ्ट का ही आ रहा है, फाइन ओके ओके। नेक्स्ट वी हैव सीएसएस राउंडेड बॉर्डर्स। अगर आपको क्या चाहिए, एचटीएमएल एलिमेंट्स के जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, और उनकी साइड्स क्या हो, राउंड हो, ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ओके। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड राउंडेड बॉर्डर्स टू एन एलिमेंट। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्या करती है, राउंडेड बॉर्डर्स अप्लाई करती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको करते हैं यहाँ पर, डॉक टाइप आपने बता दिया, व्हाट इज दिस, दिस डॉक्यूमेंट इज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक टाइप क्या होता है, आप बताते हो ब्राउजर की कौन सा डॉक्यूमेंट है, एचटीएमएल है, ठीक है एचटीएमएल, फाइन। फिर हमने दे दिया इसमें हेड, हेड के अंदर आपने इंटरनल सीएसएस को क्रिएट किया स्टाइल, फाइन। तो हमने दे दिया सबसे पहले पैराग्राफ स्पेसिफिक, हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ स्पेसिफिक हम क्लास बना रहे हैं नॉर्मल, और उसमें हमने प्रोवाइड किया बॉर्डर, बॉर्डर आपने क्या किया है 2 पिक्सल्स बॉर्डर सॉलिड एंड उसका कलर दे दिया रेड, फाइन। नेक्स्ट आपने दिया पैडिंग, पैडिंग क्या होता है, जो बॉर्डर और जो बॉर्डर के अंदर कंटेंट है उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। जो आप बॉर्डर के अंदर आपने पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ जो टेक्स्ट मटेरियल है वो और बॉर्डर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, जो हम एचटीएमएल में भी करते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिंपल नॉर्मल बॉर्डर दिया है, ओके नॉर्मल बॉर्डर आएगा, फिर हम देंगे राउंड बॉर्डर, ठीक है। हमने दिया पी डॉट राउंड वन, राउंड वन क्लास का नेम है, बॉर्डर आपने दे दिया है इसके अंदर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके बॉर्डर। अब राउंडेड बॉर्डर के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस, आर ए डी आई यू एस, रेडियस, ठीक है। तो हमने ये दिया इसको कितना टर्न हो, 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस, ठीक है। देन पैडिंग, पैडिंग क्या है, पैडिंग मैंने आपको अभी बताया है कि जो कंटेंट है और जो बॉर्डर्स की वॉल है उसके बीच में कितना मार्जिन है, ठीक है पिक्सल, फाइन। नेक्स्ट क्लास हमने कर दी पी डॉट राउंड टू, ओके बॉर्डर आपने ले लिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके एंड देन बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर यूएस रेडियस, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हमने ले लिया 9 पिक्सल या 8 पिक्सल, जो भी आप लेना चाहते हो 8 पिक्सल ले लो, ओके एंड देन पैडिंग, पैडिंग आपने ली है 5 पिक्सल, ओके। देन हमने किया नेक्स्ट क्लास बनाई आपकी पी डॉट राउंड 3,
ओके, इसके अंदर आपने दिया बॉर्डर, बॉर्डर आपका हो गया 2 पिक्सल, ओके बॉर्डर आपका हो गया 2 पिक्सल, एंड सॉलिड, और इसका कलर दे दिया रेड। फाइन, बॉर्डर रेडियस, रेडियस अब हाँ यहाँ पे हमने दे दिया 12 पिक्सल, ज्यादा रेडियस दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग पैडिंग आपने दे दी 5 पिक्सल। फाइन, तो हमने 4 क्लासेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो आप क्या करोगे, स्टाइल टैग को क्लोज करोगे, देन आप हेड टैग को क्लोज करोगे, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर बॉडी टैग। बॉडी को स्टार्ट किया, फाइन, बॉडी के अंदर हम हेडिंग दे देते हैं, H1 हेडिंग, दी बॉर्डर रेडियस, रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है, दी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी H1। फाइन, अब हम क्या करेंगे, क्लासेस को यूज करेंगे। पी आपकी क्लास, सबसे पहले आपने कौन सी क्लास बनाई थी, नॉर्मल क्लास, ठीक है, हमने सबसे पहले बनाई थी, एक बार ऊपर करके देख लेते हैं, नॉर्मल ही बनाई है ना, उसका नेम क्या रखा है, अपनी क्लास का नॉर्मल, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक बनाई है नॉर्मल, ठीक है, तो उसको हम लेते हैं नॉर्मल को अप्लाई करते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल बॉर्डर, फाइन। देन आपने सेकंड बनाई थी पी क्लास राउंड, राउंड 1, ओके, तो राउंड बॉर्डर, फाइन। देन हमारी थर्ड क्लास है, ओके, राउंड 2, जिसमें हमने थोड़ा सा और कर्व दिया है, ठीक है, 8 पिक्सल का कर्व दिया है, और अब हम लेंगे राउंडर बॉर्डर, उससे ज्यादा, राउंडर बॉर्डर मीन्स राउंड से थोड़ा और ज्यादा, राउंडर बॉर्डर, ठीक है, ओके। नाउ पी क्लास नेक्स्ट राउंड 3 हमने बनाया था, राउंड 3 क्लास, ओके, तो ये हमने बना दी राउंडर्स, क्योंकि हमने इसमें क्या दिया है, 12 पिक्सल दिया है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या दिया है, 12 पिक्सल राउंडर्स, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कर्व इसके अंदर होगा, कंट्रोल पी, बॉडी क्लोज, एंड देन आपका HTML क्लोज, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, न्यू फाइल बनाइए, इसको हमने कर लिया बॉर्डर 3.html, फाइन, बॉर्डर 3.html, ओके, अब इसको हम करेंगे ओपन विद ब्राउजर, लोड हो रही है क्लास, पहला हमारा हमने क्या दिया है, नॉर्मल बॉर्डर, तो देखो फर्स्ट था हमारा नॉर्मल बॉर्डर, अच्छा नॉर्मल बॉर्डर में मैंने कुछ लिखा नहीं है शायद, नॉर्मल बॉर्डर, अच्छा इसको टैग को क्लोज नहीं किया, ऐसे कंट्रोल एस, सेव, नाउ वी विल रिफ्रेश इट, ठीक है, फर्स्ट देखो आपका आया नॉर्मल बॉर्डर, फाइन, सेकंड आपका आया राउंड, जो आपकी देखो आउटलाइनिंग है वो राउंड है यहाँ पे, ठीक है, ओके, सेकंड, और से थर्ड में आपने क्या किया था, 8 पिक्सल, तो थोड़ा और राउंड है, और जो आपने जो लास्ट क्लास थी आपकी राउंड 3 क्लास, उसमें आपने 12 पिक्सल दिया, तो देखो इसकी इसकी जो आउटलाइनिंग है, जो यहाँ पे वो क्या है, बिल्कुल ही राउंड है, फाइन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ CSS मार्जिन, CSS मार्जिन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी HTML एलिमेंट के अराउंड स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, ओके, सो वी कैन गिव स्पेस फ्रॉम द टॉप, हम टॉप से स्पेस दे सकते हैं, राइट से स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, बॉटम से स्पेस क्रिएट कर सकते हो, एंड लेफ्ट से स्पेस क्रिएट कर सकते हो, ओके, सो लेट अस क्रिएट वन एग्जाम्पल फॉर दिस
इसको बना के देखते हैं कि हाउ वी कैन गिव द मार्जिन्स. फाइन, दिस इज डॉक टाइप. डॉक टाइप मीन डॉक्यूमेंट टाइप, कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हो. फाइन, आप ये ब्राउजर को बता रहे हो कि हम क्या बना रहे हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं. फाइन, एचटीएमएल हेड. ओके, अब यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस को क्रिएट करेंगे. स्टाइल, फाइन. ओके, अब स्टाइल के अंदर हम ले रहे हैं डिप टैग. डिप टैग का क्या यूज होता है? डिप टैग डिफाइंस अ डिवीजन और अ सेक्शन इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. तो कहीं पर हमें एक कोई सेक्शन क्रिएट करना है या कोई कंटेनर बनाना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ऑक्यूपाई करने के लिए या टेक्स्ट को ऑक्यूपाई करने के लिए हमें कोई कंटेनर बनाना है, तो हम डिप टैग का यूज कर सकते हैं. फाइन, तो यहाँ पे हम डिप बना रहे हैं, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड आउटलाइनिंग एंड ब्लैक कलर. फाइन, देन मार्जिन टॉप. अब यहाँ पे मार्जिन स्पेसिफाई कर देते हैं, टॉप मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल, ओके, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट हम लोग ले लेते हैं 150 पिक्सल. फाइन, देन मार्जिन लेफ्ट 80 पिक्सल. ओके, बैकग्राउंड कलर जो आप कंटेनर टैग बना रहे हो डिप की हेल्प से, उसका हम लेते हैं लाइट ब्लू, या आप जो भी लेना चाहो बैकग्राउंड कलर लाइट. फाइन, ओके, अब यहाँ पे हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे, हेड क्लोज, एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे. फाइन, इसमें हम हेडिंग ले लेते हैं, H1 हेडिंग. हेडिंग ले लिया यूजिंग इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टीज. H1 हेडिंग, फाइन. ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे डिप टैग. डिप डिप की प्रॉपर्टीज हमने क्या किए है, इंटरनल सीएसएस की हेल्प से ऊपर स्पेसिफाई कर दिया. दिस डिप एलिमेंट हैज अ टॉप मार्जिन. टॉप मार्जिन ऑफ कितना दिया हमने, 100 पिक्सल, राइट मार्जिन ऑफ 150 पिक्सल, ओके, अ बॉटम मार्जिन ऑफ 100 पिक्सल. फाइन, एंड अ लेफ्ट मार्जिन ऑफ 80 पिक्सल. फाइन, ये हमने इसका टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, डिप टैग क्लोज. फाइन, नाउ बॉडी टैग क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज. ओके, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस. अब आप इसको कोई भी फाइल नेम देते हैं, जैसे मैंने इसको दे दिया H1, सिंपली H1 डॉट एस टी एम एल. ओके,
सेव, हमने इसको सेव कर दिया H1 के नेम। ओके दिस इज आवर फाइल, हम इसको ओपन करते हैं ओपन विद गूगल क्रोम। फाइन ओके नाउ अभी आप देखो जो आपका ये मार्जिन है ठीक है, टॉप मार्जिन 100 पिक्सल ओके, देन बॉटम मार्जिन, बॉटम में 100 पिक्सल का मार्जिन है। अगर और भी कोई एलिमेंट होता तो जो ये डिव एलिमेंट है उस एलिमेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होता, 100 पिक्सल का। फाइन देन वी हैव राइट मार्जिन 150 पिक्सल एंड लेफ्ट मार्जिन 80 पिक्सल ओके, और हमने बैकग्राउंड कलर क्या दिया था, लाइट ब्लू ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मार्जिन डिफाइन किए कि कैसे आप एस्टिमेल एलिमेंट को मार्जिन दे सकते हो ओके okay? अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का मींस अभी हमने क्या किया था, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन सारे की जितने भी मार्जिन थे, 4 मार्जिन थे, उनको अलग अलग डिफाइन किया था। फाइन अब हम क्या कर सकते हैं, ऑल द मार्जिन वी कैन स्पेसिफाई इन वन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के अंदर हम सारे के सारे मार्जिन को स्पेसिफाई कर सकते हैं ओके okay? तो लेट अस डू दिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हमने मार्जिन लिया, मार्जिन टैग ओके 25 पिक्सल फाइन, देन 50 पिक्सल, देन 75 पिक्सल एंड देन 100 पिक्सल ओके। तो एक साथ क्या किया है, सारे मार्जिन्स को हमने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे ठीक है। अब आपको बताना है कि जो ये मार्जिन्स दिए हैं वो कौन सा मार्जिन कहाँ अप्लाई होगा, द डिव एलिमेंट है द टॉप मार्जिन ऑफ, जो टॉप मार्जिन है वहां पे वो कितना है, 25 पिक्सल ओके। फाइन राइट मार्जिन ऑफ राइट, राइट मार्जिन कितना होगा, 50 पिक्सल राइट साइड का ओके। एंड बॉटम मार्जिन ऑफ, बॉटम का मार्जिन कितना होगा, 75 पिक्सल ओके। एंड द लेफ्ट मार्जिन ऑफ, लेफ्ट मार्जिन आपका कितना होगा, 100 ओके okay, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का अप्लाई किया है, एक साथ ऑल मार्जिन्स वी हैव स्पेसिफाइड, हमने सारे मार्जिन्स एक साथ स्पेसिफाई किए हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट आपकी वैल्यू है वो किसका मार्जिन है, टॉप मार्जिन, सेकंड किसका मार्जिन है, राइट मार्जिन, थर्ड है बॉटम मार्जिन एंड द लास्ट वन इज लेफ्ट मार्जिन ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस ओके okay, जो और ये सेम फाइल में चेंजेस किए हम करेंगे रिफ्रेश ओके okay, इसको हम कर देंगे रिफ्रेश ओके okay, तो हमारा क्या आ गया है, जो हमारा टॉप मार्जिन था वो कम हो गया, 25 पिक्सल हो गया है, राइट मार्जिन आपका क्या हो गया, 50 पिक्सल हो गया फाइन ओके। बॉटम आपका क्या है, 75 पिक्सल है, अगर कोई और एलिमेंट होगा तो उसके और डिव एलिमेंट के बीच में 75 पिक्सल का मार्जिन रहेगा ठीक है। लेफ्ट मार्जिन आपका हो गया 100 फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है ओके okay. अब अगर यहाँ पे मार्जिन के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज सिर्फ 3 वैल्यूज देते हैं ओके okay? हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज को 1 वैल्यू हटा देते हैं, हमने 100 को हटा दिया राइट, 100 को आपने हटा दिया। तो अभी हमारे पास मार्जिन के अंडर जो मार्जिन प्रॉपर्टी है उसकी कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। तो ये कैसे अप्लाई करेंगी, तो यहाँ पे अप्लाई होगा जो आपका टॉप मार्जिन है वो 25 पिक्सल होगा, राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ठीक है, राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन वो कितना हो जाएगा, वो 50 पिक्सल हो जाएगा राइट, राइट मार्जिन भी, और जो ये सेकंड पैरामीटर है जो राइट के लिए यूज होता है वो अब लेफ्ट के लिए भी अप्लाई होगा ओके। राइट एंड लेफ्ट मार्जिन आपका 50 पिक्सल हो जाएगा और आपका बॉटम क्या हो जाएगा, 75। अंडरस्टूड, अगर आपके पास मार्जिन के अंदर 3 वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे अप्लाई होगी, फर्स्ट वैल्यू आपकी होगी टॉप मार्जिन पर, सेकंड वैल्यू आपकी होगी राइट एंड लेफ्ट मार्जिन की ओके, राइट एंड लेफ्ट साइड की मार्जिन की, एंड थर्ड वैल्यू आपकी क्या होगी, बॉटम मार्जिन के लिए फाइन। इसको हम सेव करेंगे, सेव किया, सेम फाइल है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश ओके okay, तो यहाँ पे हमारा टॉप मार्जिन क्या है, रिमेन वो सेम है 25 पिक्सल, लेकिन राइट और लेफ्ट अब सेम हो गया है, 50 50 पिक्सल हो गए हैं, एंड आपका बॉटम मार्जिन क्या है, 75 पिक्सल ओके ओके। अब अगर मार्जिन प्रॉपर्टी के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम क्या करें, ओनली उसकी 2 वैल्यूज स्पेसिफाई करें
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू वैल्यूज है, 25 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। तो क्या होगा, 25 पिक्सल क्या होगा, यूज होगा टॉप एंड बॉटम मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे टॉप मार्जिन 25 हो जाएगा और आपका बॉटम मार्जिन भी क्या हो जाएगा, 25। ओके, जो फर्स्ट वैल्यू है 25 पिक्सल वो किसके लिए यूज होगी, टॉप एंड बॉटम मार्जिन के लिए। ओके, एंड जो सेकंड वैल्यू है 50 पिक्सल वो किसके लिए यूज होगी, राइट एंड लेफ्ट मार्जिन के लिए। ओके, तो आपका राइट मार्जिन 50 पिक्सल एंड आपका लेफ्ट मार्जिन 50 पिक्सल। समझ आया, जब आपके पास दो वैल्यूज हैं मार्जिन प्रॉपर्टी के लिए, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो टॉप एंड बॉटम मार्जिन को स्पेसिफाई करेगी और जो सेकंड वैल्यू है वो राइट एंड लेफ्ट मार्जिन को स्पेसिफाई करेगी। फाइन, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। नाउ इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश। फाइन, तो देखो अभी इसके अंदर ज्यादा चेंज, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ बॉटम मार्जिन ही चेंज हुआ है ना इस बार, 25 पिक्सल है अबव, ओके, और 25 पिक्सल हो गया बिलो बॉटम में, और 50 एंड 50 पिक्सल आपका लेफ्ट एंड राइट में। ओके, समझ आया, तो दो वैल्यूज को आप कैसे स्पेसिफाई करोगे। और अगर मार्जिन जो आपका प्रॉपर्टी है, मार्जिन प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आप सिर्फ एक ही वैल्यू देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 25 पिक्सल दिया है, तो क्या होगा, इसके जो ऑल द फोर मार्जिन है, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, सबका जो मार्जिन होगा वो क्या होगा, 25 पिक्सल। ओके, तो ये जो 25 है वो जो ऑल किसके ऊपर अप्लाई होगा, सारे मार्जिन के ऊपर ये 25 अप्लाई होगा। ठीक है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। ओके, तो ये हर ऑल द फोर मार्जिन विल बी 25 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, तो जितने भी मार्जिन थे वो कितने हो गए, 25 पिक्सल्स के हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन में क्या दिया था, एक ही वैल्यू दी थी। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव द इनहेरिट वैल्यू। इसका क्या यूज है, अगर आपने एक क्लास के लिए एक क्लास क्रिएट की, उसमें प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, ठीक है, आप उस क्लास को दूसरी क्लास में क्या कर सकते हो, दूसरे एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए आपने प्रॉपर्टी डिफाइन की, ओके, आप उसको क्या कर सकते हो, दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हम इसको इनहेरिटेंस, मतलब जो एक एलिमेंट है वो पेरेंट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है। फाइन, इसको हम कैसे करेंगे, मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हमने लिया डॉक टाइप एचटीएमएल, फाइन, एचटीएमएल हेड स्टाइल इंटरनल सीएसएस बना यूज करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया डिव टैग, ओके, सॉरी, डिव डिव, और डिव के अंदर हमने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया बॉर्डर, बॉर्डर ले लो 2 पिक्सल या 1 पिक्सल, जो भी आपको लेना है, 1 पिक्सल ले लिया, 1 पिक्सल हमने बॉर्डर ले लिया। फाइन, बाउंड्रीज की सॉलिड एंड रेड कलर, ओके, देन मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से मार्जिन आप 200 पिक्सल ले लो, ओके, 200 पिक्सल। ओके, डिप के लिए हमने क्या किया है, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज स्पेसिफाई कर दिए बॉर्डर एंड मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट मार्जिन के लिए। ओके, अब हमने क्या बनाया, क्लास बनाएंगे और हमने वो पैराग्राफ स्पेसिफिक क्लास बना दिया। मैंने इसका नाम लिख दिया EX1 एग्जाम्पल 1, कुछ भी नेम लिख सकते हो आप क्लास का, लेकिन ये क्लास है क्या, अब ये यूनिवर्सल नहीं है, सबके लिए यूज नहीं होगी, ये सिर्फ पैराग्राफ्स के लिए यूज होगी, क्योंकि मैंने इसको पी डॉट टैग से, सॉरी, पी डॉट से मैंने क्या कर दिया, इसको पैराग्राफ स्पेसिफिक बना दिया। फाइन, अब मैंने इसको ले लिया मार्जिन लेफ्ट, इसका मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट में मैंने क्या कर दिया, इनहेरिट, इनहेरिट लिख दिया। इनहेरिट मतलब जो इसका ये पेरेंट टैग है, पेरेंट टैग क्या है इसका, डिव, जिसके अंदर हम पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है, पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखेंगे, ये अपने डिव टैग से, कंटेनर टैग से क्या करे, लेफ्ट मार्जिन इनहेरिट कर ले, लेफ्ट मार्जिन ले ले, ठीक है, ओके, स्टाइल,
then head close. Then we are starting the body. ठीक है, अब यहाँ पे हम H1 ले लेते हैं. H1 use of inherited value. H1. ओके, अब हमने एक पैराग्राफ क्या लिखा, लेट द लेफ्ट मार्जिन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट. ठीक है, तो पेरेंट क्या कर रहा है, पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, यहाँ पे डिव टैग है, तो डिव जो उसका कंटेनर है वहां से वो क्या लेगा, अब लेफ्ट मार्जिन लेगा. तो यहाँ पे हमने इनहेरिट किया है मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन को. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंट टैग यूज करेंगे डिव. डिव के अंदर आप क्या करोगे, चाइल्ड टैग का यूज करोगे, पी क्लास. ठीक है, और ये कौन सी क्लास को स्पेसिफाई करेगा, EX1 जो हमने भी क्रिएट किया है, राइट. और EX1 क्लास के अंदर हमने क्या दिया है, मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट. ठीक है, इनहेरिट, तो जो लेफ्ट मार्जिन है वो इनहेरिट होगा दिस. अब हम लिख लेते हैं इसका टेक्स्ट, दिस पैराग्राफ हैज एन इनहेरिटेड लेफ्ट मार्जिन. ओके, और कहां से लिया है लेफ्ट मार्जिन, फ्रॉम द डिव एलिमेंट, फ्रॉम द डिव. पी क्लोज एंड आपका डिव एलिमेंट क्लोज. ओके, देन आपका बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज. ओके, अब इसको कोई भी नेम देते, कंट्रोल एस H1. H1 तो हम दे चुके हैं, S2.html. फाइन, तो यहाँ पे हमें ये देखना है, देखो यहाँ पे जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए हमने जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की थी, हमने लेफ्ट मार्जिन स्पेसिफाई की, मार्जिन लेफ्ट इनहेरिटेड, कोई वैल्यू नहीं दी है उसमें, हमने इनहेरिट दिया है, तो ये किसको इनहेरिट करेगा, ये अपने पेरेंट टैग से लेफ्ट मार्जिन को इनहेरिट करेगा, दैट इज 200 pixels. फाइन, ओके, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम. ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो पैराग्राफ है इसने क्या किया है, 200 पिक्सल का मार्जिन लिया है फ्रॉम लेफ्ट. फाइन, हमने पैराग्राफ में कोई मार्जिन स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन ये इसने क्या किया है, पेरेंट जो इसका टैग था डिव टैग उससे इनहेरिट किया इसको. ओके, तो इस इन दिस वे वी कैन द एलिमेंट्स कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर पेरेंट टैग. ओके, पेरेंट एलिमेंट एज वेल. फाइन, how we can set the height and width of an HTML element. Okay, तो आप इस वीडियो में सीखोगे कि आप किसी भी HTML element की height and width कैसे set कर सकते हैं. Fine, okay, okay. So let us start with our practical. Okay, first we will write doc type. Doc type क्या होता है, ये होता है doc. डॉक्यूमेंट टाइप. ओके, तो आप ये लिख के बता रहे हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है. ओके, दिस इज योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यू आर टेलिंग दिस टू ब्राउजर, हेड, राइट. इन हेड टैग हम क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस क्रिएट करेंगे यहाँ पर, स्टाइल. फाइन, स्टाइल के अंदर मैंने क्या किया है, img.1, तो 1 क्या है, क्लास है. वन क्या है, क्लास का नेम है, और मैंने उसको img.1 कर दिया, तो ये किसकी क्लास बन गई, इमेज की क्लास बन गई. ठीक है, ये इमेज स्पेसिफिक क्लास बन गई, और वहां पे मैंने हाइट दे दी है, हाइट दे दी है ऑटो ऑटो.
ठीक है। ऑटो क्या होता है, जब आप हाइट ऑटो देते हो तो इसका मीनिंग, ऑटो देने का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे ब्राउजर अपने आप डिसाइड करता है कि जो आप जो भी एचटीएमएल एलिमेंट ले रहे हो उसकी हाइट वो अपने आप डिसाइड करके उस पर डिस्प्ले करा देता है उसकी हाइट। ठीक है, अब हम सेकेंड क्लास बनाएंगे img.to find हाइट। यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं 200 पिक्सल एंड विथ हम यहाँ पे ले लेते हैं 200 पिक्सल फाइन ओके। डिव, एक जो हमारा कंटेनर टैग है डिव, हमने उसकी क्लास बनाई है 3 ओके हाइट थ्री 300 पिक्सल ले लेते हैं 300 पिक्सल ओके विथ 300 पिक्सल फाइन बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर हम इसका ले लेते हैं पिंक ओके फाइन। अब आप क्या करोगे, स्टाइल को क्लोज कर दोगे ओके एंड आप हेड को क्लोज कर दोगे फाइन। देन हम क्या करेंगे, अब बॉडी को स्टार्ट करते हैं, बॉडी टैग हमारा स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग सी बॉडी, अब बॉडी में हम हेडिंग ले लेते हैं सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एलिमेंट्स H1 क्लोज फाइन ओके। अब हमने P टैग के अंदर दे दिया ओरिजिनल ओरिजिनल इमेज ठीक है। ओरिजिनल इमेज में हमने क्या दिया, ऑटो दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका ओरिजिनल हाइट एंड विथ होगा वो डिस्प्ले होगा फाइन। img क्लास, क्लास हमने कौन सी लिए, 1, और 1 में हमने क्या लिया हुआ है ऑटो राइट। src सॉरी src, यहाँ पे आप इमेज का क्या लोगे, url लोगे फाइन। src देन विथ विथ आपने यहाँ पे कर दी 300 एंड हाइट हाइट आपने यहाँ पे ले लिया 300 फाइन ओके एंड यहाँ पे हमने लगा दिया br टैग। नाउ अब इसका, अभी हम इसका जो इमेज का url है वो एक साथ कॉपी कर लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, देन हमने पैराग्राफ लिया साइज्ड इमेज फाइन, और इसको हम कितना कर रहे हैं 200 × 200 मींस 200 हाइट 200 विथ पिक्सल्स। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ लिख रहे हैं इट इज जस्ट एज अ हेडिंग, हम इसको एज अ हेडिंग लिख रहे हैं ठीक है। img क्लास 2 ओके src मीन्स सोर्स कोड, सोर्स नॉट सोर्स कोड सॉरी सोर्स ऑफ द इमेज ओके। देन विथ विथ अभी हमने यहाँ पे 300 स्पेसिफाई की है, लेकिन वो लेगा कितनी, जो आपने ऊपर क्लास में दी है 200 पिक्सल 200 पिक्सल, ऐसे ही जो क्लास 1 में हमने विथ 300 300 स्पेसिफाई किया, लेकिन वो क्या है ऑटो दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ब्राउजर डिसाइड करेगा वो लेगा ठीक है। 300 पिक्सल हमने दे दिया हाइट, हाइट को दे दिया हमने 300
300 pixel, यहाँ पे 300 दिया है, बट अप्लाई कौन सा होगा, क्लास टू वाला, राइट। एंड दिस इज आर br टैग, फाइन, ओके। एंड नेक्स्ट हमने क्या दिया था, div एलिमेंट लिया था ना, उसके लिए हम पहले हेडिंग ले लेते हैं, the height and width of this div element is 300 pixel, fine। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिव क्लास, क्लास कौन सी है, डिव की थ्री, जो हमने क्लास थ्री बनाई थी, राइट, ओके। नाउ डीआईवी डिव, फाइन, देन बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, थ्री क्लासेस क्रिएट की, ओके। वन क्लास वन में आपने हाइट ऑटो दी है, हाइट ऑटो मींस जो ये ब्राउजर डिसाइड करेगा कि इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ओके। एंड हमने यहाँ पे क्लास वन यूज किया है, हाइट एंड विथ दे रखी, तो हाइट तो ब्राउजर डिसाइड करेगा, विथ हमने दी हुई है यहाँ पे 300, तो वो आ जाएगी। और हमने क्लास टू में हाइट एंड विथ दोनों 200 पिक्सल्स दिए हैं, तो आपकी जब आप क्लास टू यूज करोगे तो हाइट एंड विड्थ दोनों 200 पिक्सल्स यूज होंगी। डिव में आपने क्लास थ्री यूज किया है, और क्लास थ्री में क्या है, हाइट एंड विड्थ 300 पिक्सल्स है, ओके। अब हमने हम लोग क्या करेंगे, इमेज का जो सोर्स है वो यहाँ पे, मीन्स इमेज का यूआरएल यहाँ पर कॉपी करेंगे, फाइन, ओके। हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है, इसको हम कर लेते हैं ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट। अब यहाँ एड्रेस से आप इसका क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो इसका यूआरएल, फाइन, ओके। इस यूआरएल को हम पेस्ट कर देंगे वन में, राइट, एंड देन हियर, ओके, फाइन। अब क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, img कर लेते हैं, img.html, फाइन, img.html, राइट। अब आपकी फाइल यहाँ पर है, इसको हम करेंगे ओपन विद ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ले लेते हैं, ओपन विद ब्राउजर, ओके। अब यहाँ पे देखो, आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो ये है, फाइन, दिस इज योर ओरिजिनल इमेज। उसके बाद आपने क्या किया था, क्लास टू ली थी, जिसमें आपने डिफाइन कर दिया था 200 200 पिक्सल, फाइन। तो ये देखो यहाँ पे इमेज का साइज क्या हो गया है, 200 200 पिक्सल आ गए, मतलब 200 हाइट एंड 200 विथ, फाइन। फिर आपका डिवेलिमेंट क्या होता है, एज अ कंटेनर डिवेलिमेंट आया है, उसकी हाइट एंड विथ क्या है आपकी, 300 300 पिक्सल, फाइन। तो ऐसे आपने क्या किया, हाइट एंड विथ को सेट किया, ओके, इमेज की एंड डिवेलिमेंट की, ओके। अभी हमने क्या किया था, पिक्सल्स में दी थी हाइट एंड विड्थ, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज में लेंगे हाइट एंड विड्थ, ओके, इमेज की और जो भी एलिमेंट आप लेना चाहो, ठीक है। पहले हमने क्या लिया था, इमेज लिया था, और क्या लिया था, डिव एलिमेंट लिया था, ठीक है। डॉक टाइप हमने ले लिया यहाँ पे, html डॉक टाइप, ओके। डॉक टाइप क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, html, ओके। हेड, राइट, इन हेड यू विल गिव द style, style, okay, here html, body, 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 right? तो यहाँ पे gst height हमने ले लिया है, अब हम percentage में देंगे height in width, right? तो अभी हमने बॉडी जो टैग लगाया है, बॉडी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी जो हाइट है वो हमने 100% दी है, बाय डिफॉल्ट भी वैसे 100% ही होती है। img.1 हमने वन क्लास बनाई, फाइन, इसमें हाइट दे दी आपने ऑटो, ऑटो क्या होगा, ब्राउजर अपने आप डिसाइड करेगा कि इसकी हाइट एंड
विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या होता है उसकी, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो फिर उसकी ओरिजिनल हाइट एंड विड्थ को ही डिस्प्ले करता है। फाइन, देन हमने दी img क्लास टू बनाई, इसमें हाइट हमने ली 50% 50% ऑफ विंडोज हाइट, ठीक है। तो जो आपकी ब्राउजर की विंडो होगी उसका 50% एंड विथ विथ भी हम ले लेते हैं 50% ऑफ विंडोज हाइट। टोटल क्या होती है, 100, जो ब्राउजर की विंडो होती है वो 100% क्या होती है उसकी हाइट, और 100% क्या होती है उसकी विथ, राइट। हम ऐसे कंसीडर करते हैं। फाइन, तो हमने क्या किया इसका 50% ले लिया स्टाइल, देन आपका आ गया हेड, ओके, देन वी हैव बॉडी, राइट। इसके अंदर हमने दे दी हेडिंग, हेडिंग दे दो, सेट दी हाइट एंड विड्थ इन परसेंटेज, ओके, H1। फाइन, अब हम देते हैं वन मोर हेडिंग, हमने दे दिया इसको ओरिजिनल ओरिजिनल इमेज, जो ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ओरिजिनल इमेज। तो ओरिजिनल इमेज में हम यूज कर लेंगे क्लास वन, ओके, क्लास वन, क्योंकि उसमें क्या है ऑटो दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो है आई एम जी क्लास क्लास आपकी आ जाएगी वन। फाइन, एस आर सी सोर्स ऑफ इमेज, सोर्स ऑफ इमेज हम अभी ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे। फाइन, पहले हम बाकी का लिख लेते हैं। विथ आप इसकी ले लो 300 पिक्सल, हाइट हाइट आपने ले ली 300 पिक्सल, ओके, बी आर टैग टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, ओके। अब नेक्स्ट हम पैराग्राफ लेंगे साइज्ड, साइज इमेज, और इमेज हम क्या लेंगे परसेंटेज में लेंगे, ओके, इन परसेंटेज, फाइन, img क्लास, इसमें क्लास हम यूज करेंगे टू, ठीक है, src source, राइट, एंड विथ विथ हमने यहाँ पे ली है 300 पिक्सल, लेकिन अप्लाई कौन सी होगी 50% ऑफ विंडोज विथ, एंड हाइट हाइट क्या होगा ऑल्सो 50% ऑफ विंडोज हाइट। फाइन, ओके, देन बॉडी टैग क्लोज एंड html क्लोज, ओके। अभी हमने ले लिया, अब हम क्या करते हैं कोई भी ईमेल लेते हैं उसका सोर्स ले लेते हैं, मतलब उसका यूआरएल लेते हैं। इसको हमने कर लिया ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। फाइन, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, डिलीट कर इसको, हमने यहाँ पे कंट्रोल वी एंड हियर आल्सो कंट्रोल वी, राइट। अब हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस। तो अब हम लेते हैं img2.html, राइट, हमने इसको सेव कर लिया। फाइन, ओके, नाउ दिस इज योर img2, ओपन विद ब्राउजर, आपने इसको ब्राउजर से ओपन कर लिया, ओके, इट इज टेकिंग सम टाइम। अब इधर देखो ये क्या है, ओरिजिनल इमेज है, राइट, इसने क्लास वन को यूज किया था, राइट। आप देखो सेकंड, देखो सेकंड क्या है 50% ऑफ विंडोज हाइट, अगर हम यहाँ से यहाँ तक विंडो की हाइट देखें तो ये क्या है इसका 50% ऑक्यूपाई कर रहा है, एज वेल एज 50% ऑफ विंडोज विथ, और अगर यहाँ से यहाँ तक विंडो की विथ देखें तो भी ये जो इमेज है वो 50% क्या करिए विंडो की विथ को ऑक्यूपाई कर रही है। फाइन, तो यहाँ पे क्या है हमने परसेंटेज में डिफाइन किया है कि कितने परसेंट
जो आपकी इमेज है वो हाइट और विड्थ, मतलब हाउ मच इट इज कंटेनिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। तो कितना है ये, 50% विंडोज की हाइट इसने कवर किया, 50% विंडोज की जो आप विंडो, और या विंडो मीन्स आपका जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसकी 50% विड्थ को कवर किया, फाइन। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाएंगे कि किसी भी जो एचटीएमएल एलिमेंट है, ओके, उसकी हम मैक्सिमम विड्थ को कैसे सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम विड्थ मीन्स कि कितना हम उसको वाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम अपना एक डॉक टाइप HTML, फाइन, यहाँ पे ले लिया HTML, ओके, देन आपका आ गया हेड स्टाइल, फाइन। अब स्टाइल के अंदर मैं ले रही हूँ div एलिमेंट, div को ले लिया, div इज अ कंटेनर एलिमेंट, इसमें मैंने इसकी मैक्सिमम विड्थ दे दी है 400 पिक्सल, फाइन, और मिनिमम विड्थ दे दी है 100 पिक्सल। तो कितना ये कवर करेगा, 400 पिक्सल इसकी मैक्सिमम विड्थ रहेगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया, लेट अस सपोज आपने दे दिया कुछ भी, दो पिंक दे देते, चलो फाइन। देन आपका स्टाइल क्लोज, ओके, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी में आप हेडिंग ले लो H1, सेट दी मैक्स विथ एंड मिन विथ ऑफ एन एलिमेंट, ओके, H1 क्लोज, फाइन। अब हम करेंगे, ओके, अब हम क्या करते हैं, यूज डिव टैग को लगाते हैं, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हम जो डिव टैग है उसको स्पेसिफाई कर चुके हैं। तो हम लिख कर देते हैं, हमने ले लिया इसमें वेलकम टू सीएसएस, ठीक है, क्लास ये ले लिया, ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, राइट, कंट्रोल वी, राइट, इसको हमने ले लिया, एंड यहाँ पे डिप को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, फाइन। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, कंट्रोल सेव कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कुछ भी आप इसको दे दो। तो अभी हम मैक्स विथ का यूज कर रहे, तो मैक्स करके करते हैं, max.html, max.html कर दिया, राइट, फाइन। यहाँ पे हमारी फाइल है, इसको हम करते हैं ओपन विथ, गूगल क्रोम ले लो, कोई भी ब्राउजर जो आप यूज करो आप उसको यूज कर सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये हमारा डिव कंटेनर टैग है, फाइन। तो इस यहाँ पे क्या है, इसकी मैक्सिमम विथ है वो कितनी है, 400 पिक्सल है, ओके। तो ये क्या करेगा, जो मैक्सिमम विथ है उसमें अगर क्या कहते हैं, जो आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको ऑक्यूपाई इसने किया हुआ है मैक्सिमम विथ के अंदर, ठीक है, दिस इज 400 पिक्सल, राइट। सो व्हाट इज सीएसएस आउटलाइन, सीएसएस आउटलाइन क्या होता है, एन आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। तो ये कौन सी लाइन है जो एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर ड्रॉ की जाती है, फाइन। इसको कहाँ ड्रॉ किया जाता है, एलिमेंट कोई भी जो एस्टिमेल एलिमेंट है उसके बॉर्डर के बाहर, फाइन। नाउ वी विल क्रिएट इट प्रैक्टिकली, अब हम आउटलाइन को क्या प्रैक्टिकली बनाएंगे, फाइन। और आउटलाइन की क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ओके। सो वी आर गोइंग टू
draw all the styles of outline here. Doctype, HTML, okay. Doctype means document type, right? HTML. Then head. In head we will give style tag. Okay. So ये क्या बना रहे हम लोग? Internal CSS. Fine. अब हमने paragraph लिया. Okay. And paragraph में आपने declaration block में क्या किया? Outline दिया. कि outline आप का color. Outline का color आप क्या देना चाहते हो? हमने ले लिया let us suppose red. Fine. Okay. अब क्या देंगे? डिफरेंट स्टाइल्स देंगे. पी डॉट डॉटेड, ठीक है. तो डॉटेड यहाँ पे क्या है? क्लास बनाई है हमने, डॉटेड नेम की क्लास बनाई है, और उस क्लास के अंदर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं आउटलाइन स्टाइल, कि जो आउटलाइन हो उसका क्या स्टाइल हो? आउटलाइन स्टाइल डॉटेड. ओके ओके okay, और ये जो हमने डॉटेड जो क्लास बनाई है वो क्या है? पैराग्राफ स्पेसिफिक है, जो पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगी ओनली. ओके तो यहाँ पे हमने डॉटेड क्लास बनाई. डॉटेड क्लास में हमने डिक्लेरेशन किया, क्या किया है? आउटलाइन स्टाइल डॉटेड, जो आउटलाइन का स्टाइल हो क्या हो? डॉटेड. ओके नाउ हम करेंगे पी डैश्ड, आउटलाइन का स्टाइल क्या हो? डैश्ड, राइट. ओके आउटलाइन स्टाइल test, fine. Then p dot, sorry, जैसे हमने border में दिए थे ना different styles, वैसे ही हम यहाँ पे outline के लिए दे रहे हैं, ठीक है? Outline style, outline style solid. फाइन क्लास क्रिएट करके पी डॉट डबल, तो सेम ही है सारे स्टाइल्स जो हमने बॉर्डर्स में दिए थे, वो ही सेम सारे यहाँ पर है, राइट. पी डॉट डबल देन आउटलाइन स्टाइल डबल पी डॉट roof outline style roof. Okay, then p dot ridge style रिच, RIDGE रिच. ओके देन हमारा है पी डॉट इंसर्ट आउटलाइन स्टाइल इंसर्ट देन वी हैव पी डॉट आउटसेट. ओके outline style outset fine. अब हम क्या करेंगे? स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे. हमने सारे आउटलाइन स्टाइल्स ले लिए हैं एंड हेड क्लोज, राइट. एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बॉडी. अब हम बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे, फाइन. इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम जितनी भी क्लासेस क्रिएट किए अभी तक उन सबको यूज करेंगे. ओके तो यहाँ पे H1 हेडिंग ले लेते हैं पहले, B आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, फाइन. ये हमारा H1 हेडिंग. ओके अब हम लोग क्या करेंगे? क्लासेस जितनी भी है उन सब क्लासेस को यूज करेंगे. P क्लास, सबसे पहले मैंने लिया डॉटेड, डॉटेड क्लास. ओके
यहाँ पे आप लिख दो डॉटेड आउटलाइन, ये पैराग्राफ क्रिएट करें जिसके बॉर्डर के बाहर जो आउटलाइन बनेगी वो कैसी आउटलाइन बनेगी, डॉटेड आउटलाइन बनेगी। ओके फाइन, देन नेक्स्ट क्लास है हमारी पी क्लास डेस्ट। ओके इसमें हमने दिया डेस्ट आउटलाइन, ओके ऊपर हमने क्लोज नहीं किया है पी, इसको क्लोज कर देते हैं पी। फाइन नाउ पी क्लास सॉलिड, अ सॉलिड आउटलाइन पी क्लोज। ओके देन पी क्लास, अब हम क्या लेंगे डबल डबल, ओके आ डबल आउटलाइन। ओके सो जितनी भी क्लासेस हमने यूज ऊपर क्रिएट किए हम सबको यूज करें यहाँ पर फाइन, जिससे उसकी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकें। पी क्लास ग्रुप, ओके ओके नाउ अ ग्रुप आउटलाइन फाइन। तो इसका इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द आउटलाइन कलर वैल्यू कि हम उसकी कलर की कितनी वैल्यू ले रहे हैं। फाइन ओके देन वी हैव पी क्लास रिच। ओके अब यहाँ पे अ रिच आउटलाइन फाइन। ओके और यहाँ पे भी इसका इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द आउटलाइन कलर वैल्यू, रिज एंड ग्रुप का कलर की वैल्यू पे इफेक्ट डिपेंड करेगा। फाइन अब हम लेंगे इनसेट पी क्लास इनसेट एंड इनसेट आउटलाइन फाइन, देन वी हैव पी क्लास आउटसेट। ओके एंड आउटसेट आउटलाइन फाइन। ओके नाउ बॉडी क्लोज एंड वी हैव एचटीएमएल क्लोज। ओके ये हमने क्रिएट कर लिया डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आउटलाइन के। अब यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, इसको नेम देते हैं कुछ भी देते हैं, इसका A1 दे देते, चलो A1.html फाइन, हमने इसको सेव कर लिया है। ओके ओके दिस इज आर A1 फाइल, ओपन विद गूगल क्रोम, इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। फाइन देखो तो फर्स्ट हमारा क्या है, डॉटेड आउटलाइन आई है। ओके देन आपका डैश्ड आउटलाइन आया है, आउटलाइन आई है, देन सॉलिड, देन आपकी डबल आउटलाइन, देन ग्रूव आउटलाइन, ब्रिज, इनसेट एंड आउटसेट, राइट। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्टाइल्स है आउटलाइन के। फाइन ओके सो हियर वी हैव डन ऑल द स्टाइल्स ऑफ आउटलाइन, नाउ वी हैव सीएसएस आउटलाइन विथ। ठीक है तो आउटलाइन की विथ हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे,
फाइन, विथ क्या होती है कि कितनी उसकी चौड़ाई है, फाइन। तो यहाँ पे हम इसको जो सबसे पतली होता है, जो सबसे थिन होती है वो 1 पिक्सल की आउटलाइन होती है, मीडियम आउटलाइन होती है 3 पिक्सल की, ओके, और जो एंड थिक होती है 5 पिक्सल की, फाइन। और इसका साइज हम पिक्सल्स में भी ले सकते हैं, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करेंगे विथ, जिससे आपको विथ पता चले कि आप कैसे स्पेसिफाई करोगे। डॉक टाइप HTML दे दिया हमने, फाइन। देन वी हैव HTML टैग, हेड, इन हेड वी विल गिव द स्टाइल, फाइन। अब एक क्लास क्रिएट करें पी डॉट X1, example 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो class 1 है, मतलब example 1 class है, वो क्या है, paragraph specific है, और इसके अंदर हम क्या apply करेंगे, इसके अंदर हम अपने properties and values को declare करेंगे। तो हमने border दे दिया इसके अंदर, जो ये paragraph का border हो वो 1 pixel का हो, solid हो and black, ठीक है। ये हमने पैराग्राफ के बॉर्डर को दे दिया। अब बॉर्डर दे दिया, अब आउटलाइन देंगे, ठीक है। आउटलाइन, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ आउटलाइन के स्टाइल्स देखे थे, ओके। हमने ये नहीं देखा था कि बॉर्डर एंड आउटलाइन दोनों को एक साथ कैसे अप्लाई करें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर एंड आउटलाइन दोनों को अप्लाई कर रहे हैं, फाइन। सॉलिड, हमने सॉलिड ले लिया, आउटलाइन कलर, रेड, आउटलाइन विथ, और आउटलाइन की हम यहाँ पे विथ दे देंगे थिन। थिन हमारा क्या होगा, 1 पिक्सल, फाइन। मीडियम हमारा 3 पिक्सल और थिक हमारा ऑलमोस्ट 5 पिक्सल, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। थिक हमारा हो जाएगा 5 पिक्सल, फाइन। तो ये हमारा थिन लिया है, तो ये हो जाएगा 1 पिक्सल, ओके। देन नेक्स्ट क्लास EX2, फाइन। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से पूरा लिखने की बजाय इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कंट्रोल V चेंज कर लेते हैं। आउटलाइन सॉलिड, कलर रेड और विथ इसकी ले लेते हैं मीडियम। मीडियम, ओके, विथ हमने ले ली इसकी मीडियम, फाइन। क्योंकि यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किसको स्पेसिफाई करने के लिए करें कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट विथ आप कैसी ले सकते हो, आउटलाइन की डिफरेंट डिफरेंट विथ आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो, फाइन। अगेन Ctrl V, ओके। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इसको हम ले लेते हैं थिक, ओके। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ले लिए। अब हम लेंगे एक वन मोर एग्जाम्पल, हेयर 4, फाइन। यहीं पे इसको ले, Ctrl V, ओके। नाउ यहाँ पे हम पिक्सल्स में ले लेते हैं इसको, ये ले लिया हमने 5 पिक्सल, राइट। देन स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड, बॉडी लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर हम हेडिंग ले लेते हैं H1 हेडिंग, बी आउटलाइन विथ विथ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ओके। आउटलाइन की हमने विथ प्रॉपर्टी ले ली यहाँ पे, फाइन। अब हमने जो क्लासेस क्रिएट किए हैं उनको हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ में यूज करेंगे। पी क्लास EX1, ओके, थिन, क्योंकि इसमें हमने विथ क्या लिए, थिन, सॉरी, आउटलाइन
then p class x2 a medium outline. Okay, then p class ax3 a thick, sorry, out line. Right, then we have p class x4 exam जो हमने क्रिएट किए क्लास. ओके, अ 4 पिक्सल थिक आउटलाइन एंड p क्लोज. फाइन, यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया एंड देन वी हैव क्लोज्ड एचटीएमएल. ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं. इसका नेम हम लोग देते हैं a2.html. फाइन, तो इसको आप सेव कर लिए. ओके, हियर वी हैव आवर फाइल ओपन विद गूगल क्रोम. गूगल क्रोम में इसको ओपन कर लेते हैं. फाइन, ओके, अब देखो सबसे पहले क्या है, आपका बॉर्डर आया है ब्लैक सॉलिड बॉर्डर और उसके उसके बाद आपकी आउटलाइन आई है रेड कलर की थिन आउटलाइन जो हमने फर्स्ट दिया था, थिन आउटलाइन. देन आपका सेकंड में क्या है, बॉर्डर एंड बॉर्डर के ऊपर आई है मीडियम आउटलाइन. फाइन, देन आपका बॉर्डर आया है, बॉर्डर के ऊपर क्या आया है थिक आउटलाइन जो हमने थिक आउटलाइन दिया था. देन हेयर वी हैव 4 पिक्सल आउटलाइन जो आपने क्या किया था, स्पेसिफाई किया था पिक्सल्स में बॉर्डर एंड देन यहाँ पे बॉर्डर क्या है ब्लैक कलर का बॉर्डर है और आउटलाइन क्या है रेड कलर की आउटलाइन है. फाइन, तो जो आउटलाइन होती है वो बॉर्डर के बाहर होती है. ओके, जो आउटलाइन है वो कहाँ पर है, बॉर्डर के बाहर है. ओके, इट इज आउटसाइड द बॉर्डर. फाइन, नाउ वी हैव सी एस एस आउटलाइन कलर. ठीक है, तो जो आउटलाइन का कलर है वो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं आउटलाइन को. ओके, वी कैन गिव कलर बाय नेम, नेम से दे सकते हैं आप. ओके, आप आरजीबी वैल्यू दे सकते हो. फाइन, आप हेक्स वैल्यू दे सकते हो. तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हो, अपने आउटलाइन को कलर दे सकते हो. ओके, तो अब यहाँ पे हम इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं. हमने यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया है 2 पिक्सल. 2 पिक्सल का ले लेते हैं 1 की जगह. 2 पिक्सल बॉर्डर सॉलिड ब्लैक आउटलाइन स्टाइल सॉलिड. ओके, एंड आउटलाइन कलर. अब यहाँ पे हम ये विड्थ को हटा देते हैं, हम सेम ले रहे थे. अब हम सिंपल लेते हैं रेड. हमने पहले ले लिया रेड कलर. फाइन, देन सेकेंड अगेन बॉर्डर इज आर 2 पिक्सल. देन आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन का स्टाइल डिफरेंट ले लेते हैं. सॉलिड की जगह हमने ले लिया डॉटेड एंड कलर आप ले लो ब्लू. तो इस एग्जाम्पल सिंपली हम क्या दिखा रहे हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑन आउटलाइन. फाइन, तो यहाँ पे देखो आउटलाइन कलर मैंने ब्लू दे दिया, फर्स्ट में रेड दिया था, अभी इसमें सेकंड में ब्लू दे दिया. फाइन, देन यू हैव बॉर्डर कलर, बॉर्डर 2 पिक्सल. ओके, देन आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल आउटसाइड दे देते हैं. आउटसाइड में क्या होता है, जो उसका बॉटम जो पार्ट होता है, ठीक है, वो थोड़ा डार्कर होता है. ठीक है, यहाँ पे विड्थ को हम हटा देते हैं क्योंकि हम विड्थ अभी हमने कर लिया है. अभी इस एग्जाम्पल में सिर्फ हम कलर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको पिंक दे देते हैं, पिंक. फाइन, ओके, पिंक दे दिया. नाउ H1 आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी कर देते हैं, विच वी हैव डन ऑलरेडी. कलर प्रॉपर्टी आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी पी क्लास EX1, P class EX1 हम यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिख दो अ सॉलिड रेड आउटलाइन. फाइन, देन क्लास
ex2 हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, डॉटेड ब्लू आउटलाइन, फाइन। देन एन आउटसेट, आउटसेट में हमने क्या दिया, पिंक, पिंक आउटलाइन, OUT आउटलाइन, फाइन। ओके, सिंपली जो हमारा जो एग्जाम्पल था विद वाला, हमने हमने उसमें अमेंडमेंट करके क्या किया, उसको हमने कलर का एग्जाम्पल बना दिया। तो यहाँ पे देखो हमने PEX1 क्लास क्रिएट की, फाइन, जिसमें बॉर्डर दिया 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, आउटलाइन स्टाइल दिया सॉलिड, एंड आउटलाइन कलर दिया है रेड, फाइन। ओके, अब हमने सेकंड क्या लिया है, बॉर्डर, सॉरी सेकंड आपने क्लास लिया EX2, उसमें बॉर्डर अगेन 2 पिक्सल, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड है, कलर आपका ब्लू है, एंड देन यू हैव टेकन, यू हैव क्रिएटेड क्लास EX3, हमने EX3 क्लास को क्रिएट किया, जिसमें बॉर्डर क्या है 2 पिक्सल का है, सॉलिड ब्लैक है, आउटलाइन का स्टाइल आउटसेट है, और आउटलाइन कलर पिंक है, फाइन। हमने ये कर लिया, इसको हम सेव कर लेते हैं, जो भी हमने चेंजेस किए हैं, कंट्रोल एस। ओके, अब सेम फाइल हम A2 को यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये ऑलरेडी ओपन है, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश, फाइन। अब देखो रिफ्रेश होके आ गई है, सबसे पहले आपका आ गया अ सॉलिड रेड आउटलाइन, तो जो मार्जिन था 2 पिक्सल का, उसके बाहर हमारे पास क्या आ गई है, सॉलिड रेड आउटलाइन। फिर मार्जिन आपका ब्लैक था, उसके बाहर हमारे क्या आ गए, डॉटेड ब्लू आउटलाइन, डॉटेड ब्लू आउटलाइन आ गई आपके सॉलिड ब्लैक बॉर्डर के बाहर, फाइन। ओके, फर्स्ट में क्या था, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर के बाहर आपका रेड आउटलाइन आई है, सेकंड में आपका ब्लैक बॉर्डर के बाहर आपकी डॉटेड ब्लू लाइन आई है, एंड थर्ड में आपका बॉर्डर के बाहर क्या आया है, आपकी आई है पिंक आउटलाइन। ओके, यू कैन सी दिस इज योर पिंक आउटलाइन, फाइन। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या क्या देखा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट आउटलाइन को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो, डिफरेंट आउटलाइन पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हो, फाइन। ओके, नाउ वी हैव CSS आउटलाइन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम आउटलाइन जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है उसको शॉर्ट करके लिखते हैं, फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, बहुत उसकी अलग अलग जो आउटलाइन की प्रॉपर्टीज थी वो अलग अलग दे देते हैं, फाइन। अब हम क्या करेंगे, आउटलाइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको एक साथ स्पेसिफाई करेंगे, फाइन। इसको अब देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, डॉक टाइप HTML, फाइन, देन वी हैव HTML हेड स्टाइल, इन स्टाइल हमने एक क्लास को क्रिएट किया EX1 जो अभी क्रिएट, ओके, और इसमें आपने आउटलाइन दे दिया, आउटलाइन की एक प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफाई कर दी डेस्ट, फाइन। ओके, अब हमने क्लास दी P.EX2 आउटलाइन, तो यहाँ पे शॉर्ट आउटलाइन की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या है, आउटलाइन। अब आउटलाइन में हमने उसका स्टाइल दे दिया डॉटेड और कलर दे दिया, ठीक है, एक साथ दे दिया डॉटेड एंड डॉटेड, उसका स्टाइल हो गया, और एंड आउट रेड उसका क्या हो गया, कलर हो गया, तो एक साथ देखो दो प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। ओके, देन P.EX3 आउटलाइन, तो यहाँ पे हम किस प्रॉपर्टी का यूज करें, आउटलाइन का। अब यहाँ पे हमने आउटलाइन को विड्थ दे दी 5 पिक्सल की, सॉलिड उसका स्टाइल एंड येलो कलर, फाइन। P.EX4 ओके आउटलाइन, ठीक किया है उसकी विड्थ एंड रिज स्टाइल एंड पिंक कलर, पिंक कलर, फाइन। देन स्टाइल क्लोज एंड हेड क्लोज एंड हियर वी आर स्टार्टिंग आर बॉडी, बॉडी। ओके, इसके अंदर हम कमेंट ले लेते हैं, सॉरी
हेडिंग ले लेते हैं द आउटलाइन प्रॉपर्टी। ओके नाउ वी विल यूज ऑल द क्लासेस हेयर। यहाँ पे हम क्लास को यूज करेंगे, ईएक्स वन को हमने यूज किया, फाइन। तो ये किस पे अप्लाई होगी, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर उस पे अप्लाई होगी, अडेस्ट आउटलाइन सॉरी हेयर पैराग्राफ क्लोज देन पी क्लास एक्स टू हाँ डॉटेड डॉटेड है और हमने क्या दिया रेड, दो प्रॉपर्टीज एक साथ दिए आउटलाइन। ओके देन पी क्लास एक्स थ्री ओके अ फाइव फाइव पिक्सल लिया हमने, फाइव पिक्सल सॉलिड येलो। तो देखो आउटलाइन प्रॉपर्टी क्या है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। आउटलाइन प्रॉपर्टी से आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइन आउटलाइन स्टाइल आउटलाइन कलर आउटलाइन विथ ओके, तो ये आप सारे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, फाइन। देन पी क्लास एक्स फोर थिक एंड ब्रिज पिंक आउटलाइन फाइन। देन बॉडी क्लोज एंड देन एचटीएमएल क्लोज। ओके इसको अब हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, इसको हम A3 दे देते हैं नेम A3.html फाइन। नाउ वी विल सी द ओके नाउ दिस इज आवर A3 फाइल ओपन विद गूगल क्रोम, इट इज लोडिंग। देखो अब देखो फर्स्ट हमने क्या दिया था आउटलाइन क्या दी थी डैश्ड ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे डैश्ड आउटलाइन आ गई है फाइन। देन सेकंड हमने क्या दिया था आउटलाइन क्या दी थी, सेकंड जो क्लास यूज की थी हमने ओके वो डॉटेड थी एंड रेड थी फाइन। तो यहाँ पे डॉटेड आ गई एंड रेड कलर। थर्ड क्या थी हमारी 5 पिक्सल उसकी विड्थ थी, सॉलिड थी एंड येलो थी। तो ये आपकी सॉलिड एंड येलो 5 पिक्सल की आउटलाइन आ गई। देन आपकी लास्ट जो थी वो थिक थी रिज थी ओके एंड उसका कलर क्या था पिंक था फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी की हेल्प से एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं फाइन। नाउ वी हैव सी एस एस आउटलाइन ऑफसेट। तो ऑफसेट प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, ऑफसेट प्रॉपर्टी यूज होती है एलिमेंट के बॉर्डर और आउटलाइन के बीच स्पेस देने के लिए। अभी तक हमने क्या दिया, अभी तक हमने देखा था बॉर्डर के ऊपर ही आउटलाइन आ रही थी फाइन। अगर आप चाहते हो आउटलाइन अलग आए और बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में कुछ स्पेस हो तो आप क्या करोगे ऑफसेट प्रॉपर्टी का यूज करोगे फाइन। तो अब हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। डॉक टाइप HTML, then we have our HTML tag, okay, head, in head we have style, fine, okay, अब यहाँ पे हमने paragraph tag लिया है, paragraph element लिया है, इसमें margin ले ली आपने 30 pixel, ओके अब 30 पिक्सल मार्जिन लिया है तो मार्जिन क्या है ये आप जो 30 पिक्सल लिया है तो ये मार्जिन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट 30 30 पिक्सल का मार्जिन। ओके ओके नाउ वी हैव बॉर्डर, पैराग्राफ का बॉर्डर लिया हमने 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक ओके। देन आउटलाइन, आउटलाइन हमने ली 1 पिक्सल सॉलिड रेड ओके। अब हम लेंगे
आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट किस लिए है? पैराग्राफ और सॉरी पैराग्राफ के बॉर्डर और आउटलाइन के बीच का जो स्पेस हो उसके लिए, एक स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे स्पेस ले लिया है 15 पिक्सल। ओके नाउ योर स्टाइल क्लोज हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्ट। बॉडी स्टार्ट हो गई है, इसके अंदर हम हेडिंग ले लेते हैं H1 बी आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी फाइन हमने ले ली। ओके अब हम पैराग्राफ टैग लेंगे दिस पैराग्राफ हैज एन आउटलाइन। आउटलाइन कितनी है? हैज एन आउटलाइन 15 पिक्सल आउटसाइड द बॉर्डर एज। फाइन तो अभी तक हम देख रहे थे क्या था, आउटलाइन बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर आ रही थी। अब यहाँ पे हमने स्पेस क्रिएट कर दिया है आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में, किसकी हेल्प से? आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी की हेल्प से। फाइन बॉडी एंड HTML फाइन इसको सेव कर लेते हैं। हमने इसको सेव कर लिया A4.html। ओके नाउ वी विल सी द रिजल्ट। दिस इज आर A4 फाइल ओपन विद गूगल क्रोम। गूगल क्रोम से आपने ओपन की कर ली अपनी फाइल को। ओके अब देखो अब यहाँ पे क्या है, जैसे पहले आया था कि जो बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर आ रहा था, आ रही थी आपकी आउटलाइन, वो क्या हो गया, अब उन दोनों के बीच में स्पेस आ गया है आपका। पहले हमने मार्जिन लिया, ये जो था, ये जो हमारा पर्टिकुलर पैराग्राफ था उसका अपर मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन लिया था हमने 30 पिक्सल। फिर बॉर्डर आपका आपका किस 1 पिक्सल का था, सॉलिड एंड ब्लैक था। ओके आउटलाइन भी आपकी 1 पिक्सल थी, सॉलिड एंड रेड थी। और आउटलाइन और बॉर्डर के जो बीच का स्पेस लिया है हमने आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी की हेल्प से, वो 15 पिक्सल लिया। ओके सो हियर वी हैव डन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर, ओके शॉर्ट एंड आउटलाइन प्रॉपर्टी एंड आउटलाइन ऑफसेट। ओके What is the use of font? Fonts are used for the formatting of the text, or you can say for the formatting of web page. Okay, so here we will do different properties of font. Fine. तो यहाँ पे हम different properties करेंगे, like font family, font style, font variant, font size and font width. Okay. अब यहाँ पे जब हम font family use करेंगे तो दो words आते हैं, family name and generic family. तो फैमिली नेम क्या होता है? फैमिली नेम होता है कि फॉन्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है। फाइन तो आप यहाँ उसको देखिए, लाइक एरियल फैमिली से बिलोंग करता है, या टाइम्स न्यू रोमन फैमिली से बिलोंग करता है, या ताहुमा फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फैमिली नेम लेंगे। ठीक है सेकेंड क्या होता है? जेनरिक फैमिली। जेनरिक फैमिली क्या होता है? जेनरिक फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग सेम फीचर्स। ठीक है तो जेनरिक फैमिली क्या होती है? ग्रुप होता है जिसमें वो फैमिलीज को कलेक्ट किया जाता है जिनके फीचर्स क्या हैं, जिनके करेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। ओके लाइक सेंस सेरिफ विच इज द कलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स विदाउट फीट। फाइन जहाँ पे सेंस, हमने एक एग्जांपल लिया सेंस सेरिफ, जहाँ पे क्या है, फॉन्ट होते हैं विदाउट फीट। फाइन तो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फाइन सो ओके हियर वी हैव स्टार्टेड doc type html then html head okay head में हम देंगे style tag style fine। अब हमने p paragraph की family बना ली, sorry class बनाई है p1 for paragraph, हमने paragraph specific class बनाई है p1। यहाँ पे हम क्या देंगे? फॉन्ट फैमिली देंगे, फॉन्ट फैमिली। ओके फॉन्ट फैमिली मींस नेम ऑफ द फैमिली। ओके
फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे दिया नेम ऑफ द फॉन्ट फैमिली कि ये जो फॉन्ट है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। टाइम्स न्यू रोमन, ओके। अब हमने क्या दिया, नेक्स्ट फॉन्ट दिया है, फाइन। यहाँ पे टाइम्स टाइम्स एंड ये क्या है, जेनरिक फैमिली, ये इसकी सेरिफ क्या है, जेनरिक फैमिली है, ओके ओके। अगर ये हमने दो जो दिए हुए हैं क्यों दिए हैं, यहाँ पे जो फॉन्ट्स नेम दिए हैं टाइम्स न्यू रोमन एंड टाइम्स, अगर टाइम्स न्यू रोमन वर्क नहीं करता है तो उसकी प्लेस पे टाइम्स वर्क करे, अगर टाइम्स भी सपोर्ट नहीं करता है तो शेरिफ फैमिली का जो भी कोई दूसरा फॉन्ट होगा वो अप्लाई होता है, ठीक है, लाइक दिस। देन पी डॉट पी टू फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया एरियल, एरियल, ओके। देन हेल बेटिका, ओके। और ये किस जेनरिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेंस सेरिफ, फाइन। देन वी हैव पी डॉट, यहाँ पे हम ये क्या क्रिएट करें, क्लासेस क्रिएट करें, पी वन पी टू पी थ्री, फाइन। फॉन्ट फैमिली यूसीडा कंसोल, देन पूसा नेम हम लेंगे कोरियर न्यू, ये जो एक से ज्यादा हमने नेम्स लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि अगर एक फॉन्ट अप्लाई नहीं होता है तो दूसरा फॉन्ट अप्लाई होता है, ओके। अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होते तो मोनोस्पेस फैमिली का, जेनरिक फैमिली का कोई और फॉन्ट क्या हो अप्लाई होता है उस पे, ठीक है, मोनोस्पेस, ओके। देन स्टाइल क्लोज हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड, अब बॉडी में क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे, फॉन्ट्स को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे H1 हेडिंग ले लेते हैं हम लोग, CSS फॉन्ट फैमिली H1, ओके। नाउ पी क्लास, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने दे दिया क्लास P1, तो जो P1 के अंदर फॉन्ट फैमिली आपने डिस्क्राइब की है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी, ओके। दिस इज अ पैराग्राफ शोन इन द टाइम्स टाइम्स न्यू रोमन रोमन फॉन्ट, फाइन, वो हमने कर दिया पैराग्राफ, ओके। अब हम लेंगे पी क्लास P2, अब P2 को अप्लाई करेंगे, ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ओके। अब यहाँ पे शॉन इन द क्या है, सेकंड में हमने क्या लिया था, एरियल, एरियल फॉन्ट, एरियल फॉन्ट।
मैंने बताया टू फॉन्ट्स नेम इसलिए लिए है जिससे अगर एक अप्लाई नहीं होता तो दूसरा अप्लाई हो जाएगा, दूसरा अप्लाई नहीं होगा तो जो हमने एंड में जेनरिक फैमिली नेम लिया है उसमें से उस फैमिली का कोई भी फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। फाइन, तो नेक्स्ट हमारा है पी क्लास P3। ओके, यहाँ पे शोन इन द यूसीटा कंसोल फॉन्ट। फाइन, ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम बॉडी को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज एंड HTML। ओके, नाउ वी विल सेव इट, कंट्रोल एस, सेव कर देते हैं इसको। फाइल का नेम देते हैं फॉन्ट डॉट HTML। ओके, फॉन्ट डॉट HTML फाइल का नेम दे दिया। नाउ वी विल सी, ओके, नाउ दिस इज आवर फाइल फॉन्ट, ओपन विद ब्राउजर, हम इसको ब्राउजर से ओपन कर लेते हैं। फाइन, ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आया है, हमारा फॉन्ट अप्लाई हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, दिस इज क्या है, ये जो फॉन्ट आया है वो क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। फाइन, सेकंड में आपका क्या आया है, एरियल फॉन्ट आया है। फाइन, और थर्ड में क्या आया आपका, ल्यूसिडा कंसोल फॉन्ट आया है। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स अप्लाई किए हैं अलग अलग पैराग्राफ को। फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव CSS फॉन्ट स्टाइल। ओके, द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट। तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का किस लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए। फाइन, ओके, दिस प्रॉपर्टी हैज थ्री वैल्यू, इस प्रॉपर्टी की तीन वैल्यूज होती है, नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक। ओके, नॉर्मल आपका टेक्स्ट नॉर्मल होगा या फिर इटैलिक होगा या ऑब्लिक होगा। जो ऑब्लिक क्या होता है, उसमें जो टेक्स्ट होता है स्लाइटली क्या होता है, लीनिंग होता है, मतलब थोड़ा सा लेटा हुआ होता है। ओके, ऑब्लिक इज सिमिलर टू इटैलिक बट लेस सपोर्टेड, लेकिन क्या है वो इटैलिक की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, ओके, सो हियर वी विल डू इट प्रैक्टिकली कि कैसे आप इसको अप्लाई करोगे फॉन्ट स्टाइल। ओके, नाउ डॉक टाइप HTML। फाइन, देन हेड, इन हेड स्टाइल, तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट करते हैं, इंटरनल CSS को क्रिएट करते हैं। ओके, स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं नॉर्मल, नॉर्मल क्लास। फाइन, उसके अंदर हमने दे दिया फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, नॉर्मल, ओके, देन पी डॉट इटैलिक क्लास हमने क्रिएट किए, इटैलिक क्लास किसकी, पैराग्राफ स्पेसिफिक, क्योंकि हमने पी डॉट के आगे लगा दिया पी। ओके, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ओके, नेक्स्ट वी हैव पी डॉट ओ बी एल आई क्यू यू ई ऑब्लिक, देन फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक। ओके, H1 फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पे इसके अंदर हेडिंग दे दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्लासेस को यूज करेंगे वन बाय वन। पी क्लास, फर्स्ट हमारी क्लास क्या थी, नॉर्मल, तो हम यहाँ पे नॉर्मल क्लास को यूज कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल को यूज करेंगे तो पैराग्राफ पे क्या अप्लाई होगा, जो भी हमने फॉर्मेटिंग उसमें दी हुई है नॉर्मल के अंदर। ठीक है, तो हमने नॉर्मल में क्या दिया हुआ है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। फाइन, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ इन
normal style. Okay, then we will use second class P class italic, P class italic. Okay, italic में हम कैसे लिखेंगे, दिस इज अ पैराग्राफ इन इटैलिक स्टाइल, इटैलिक स्टाइल. ओके, देन वी हैव पी क्लास ऑब्लिक, पी क्लास ऑब्लिक ऑब्लिक, फाइन. दिस इज अ पैराग्राफ इन ऑब्लिक स्टाइल. ओके, देन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज. ओके, यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, सेव कर देते हैं इसको, फॉन्ट वन नेम देते हैं फॉन्ट वन, क्योंकि फॉन्ट हमारी प्रीवियस फाइल थी 1.html. फाइन, नाउ वी विल सी द रिजल्ट. ओके, अभी हमने इसको ये तो क्लोज किया नहीं है ना, हमें क्या करना है, अपना स्टाइल को क्लोज करना है, स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे. ओके, एंड हेड को क्लोज करेंगे, फाइन, एंड देन बॉडी को स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ दिस इज कम्प्लीट. हेड स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपने क्या दिया, थ्री क्लासेस नहीं है, नॉर्मल इटैलिक एंड ऑब्लिक. ओके, स्टाइल को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, एंड हेड को क्लोज, एंड बॉडी स्टार्टेड. फाइन, नाउ इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एफ. फाइन, ओके, सो हियर वी हैव आवर फाइल फॉन्ट वन, ओपन विद गूगल क्रोम. इट इज टेकिंग सम टाइम, आ गया. ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट है वो क्या है, आपका नॉर्मल है. ठीक है, नॉर्मल आया है, टेक्स्ट नॉर्मल आया है. सेकंड आपका क्या है, इटैलिक है, देखो दिस इज योर इटैलिक टेक्स्ट. एंड और ये जो थर्ड वन है वो क्या है, ऑब्लीग है. फाइन, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, नॉर्मल, सेकंड है इटैलिक, एंड थर्ड वन इज ऑब्लीग. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉन्ट स्टाइल. ओके, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फॉन्ट इज फॉन्ट वेट. The property font weight specifies the boldness or heaviness for a font. तो ये font weight से क्या specify होती है कि जो आपका font है वो कितना bold है, कितना heavy है. Okay? A font can be set to either normal or bold by a property font weight. तो हम font को normal font भी provide कर सकते हैं, उसे bold भी बना सकते हैं, किसकी help से, font weight property की help. ओके, एंड फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में हम लोग नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम 100 टू 900. ओके, टू डिस्क्राइब और टू गिव द फॉन्ट वेट. तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या हो सकती है, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900. तो ये इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वेट देने के लिए यूज कर सकते हैं. फाइन, तो इसको आप नॉर्मल में दे सकते हो, बोल्ड, बोल्डर या लाइटर में दे सकते हो, या फिर आप नंबर्स में दे सकते हो. नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 100 टू 900. ओके, लेकिन कैसे दोगे, 100 टू 200 इस वे में दोगे, राइट. ओके, सो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली हियर. डॉक टाइप HTML HTML, then we have head, in the head we have style, style. Okay, अब हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करते हैं नॉर्मल. सबसे पहले नॉर्मल क्लास क्रिएट की हमने, पैराग्राफ स्पेसिफिक क्लास है. ठीक है, इसके अंदर फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट हमने दिया नॉर्मल. ओके, देन पी डॉट लाइट, लाइट, फाइन, फॉन्ट वेट,
वेट आपने दे दिया लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, बोल्ड ना हो ज्यादा। ओके पी डॉट थिक, थिक में आपने दे दिया फॉन्ट, फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके नेक्स्ट आप दे दो पी डॉट थिकर, थिकर फाइन, फॉन्ट, फॉन्ट वेट आपने दे दिया इसका, इसको हम नंबर्स में देते हैं 900। ओके नाउ स्टाइल क्लोज, ओके एंड हेड क्लोज, और हेयर वी विल स्टार्ट आर बॉडी। अब हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बॉडी टैग का यूज करेंगे, बॉडी, बॉडी के अंदर हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग H1 दी फॉन्ट वेट, वेट प्रॉपर्टी ये बेसिकली किस लिए होती है, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी कि आपका फॉन्ट कितना बोल्ड है, ठीक है, इसलिए होती है। ठीक है ओके H1 नाउ वी विल यूज द क्लासेस। अब हम क्या करेंगे, क्लास को यूज करेंगे, पी क्लास फर्स्ट हम लेंगे नॉर्मल, नॉर्मल ओके नॉर्मल में लेते हैं, सिंपली हम लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, फाइन, इसको हमने ले लिया, दिस इज अ पैराग्राफ, कॉपी कर लेते हैं, इसी टेक्स्ट को बार बार हम कॉपी कर देंगे, दिस इज अ पैराग्राफ, कंट्रोल सी, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्लास, पी क्लास, अब नेक्स्ट क्लास का यूज करेंगे, पी क्लास, पी क्लास हमारी है LIGHT लाइट, लाइट कंट्रोल वी, ओके पैराग्राफ क्लोज, देन पी क्लास नेक्स्ट है आपकी थिक, थिक दिस इज द पैराग्राफ एंड पैराग्राफ क्लोज, फाइन, देन पी क्लास थिकर, ओके पैराग्राफ, देन पैराग्राफ क्लोज, देन वी विल क्लोज बॉडी टैग एंड देन आपका HTML टैग। ओके लेट अस सेव इट, को सेव कर लेते हैं, फॉन्ट टू कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम दो बना चुके हैं, फॉन्ट टू डॉट HTML, फाइन। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं, ओके दिस इज आवर फॉन्ट टू, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउजर में आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके तो फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या है, नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ, सेकंड क्या है, लाइट वेट है, जो भी जो पैराग्राफ है उसका वेट क्या है, लाइट है, थर्ड में क्या था, हमने क्या दिया था, थिक, ठीक है बोल्ड, तो ये हमारा बोल्ड है, फाइन, और जो लास्ट वन है उसमें हमने क्या दिया था, फॉन्ट वेट 900। ओके तो ये हमारा क्या है, जो फॉन्ट वेट आया वो क्या है, 900 है। ओके सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई फॉन्ट वेट ऑन योर टेक्स्ट और यू कैन से ऑन योर फोन, फाइन। ओके नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट वेरिएंट। ओके तो फॉन्ट वेरिएंट में जो होता है, फॉन्ट कैन बी डिस्प्लेड इन टू वेरिएंट्स, दो वेरिएंट्स में फॉन्ट को, वेरिएंट्स में तरीकों में, तरीके में फॉन्ट को डिस्प्ले किया जा सकता है, नॉर्मल फॉन्ट एंड स्मॉल कैप्स फॉन्ट, फाइन। फॉन्ट वेरिएंट वेरिएंट के अंदर हमारे पास दो क्या है, मेथड्स हैं, नॉर्मल फॉन्ट और स्मॉल कैप्स फॉन्ट, फाइन। नॉर्मल हमें पता है नॉर्मल, एंड स्मॉल कैप्स फॉन्ट क्या होता है, अ स्मॉल कैप्स फॉन्ट इज अ फॉन्ट दैट यूजेस स्मॉलर साइज्ड कैपिटलाइज्ड लेटर्स इन प्लेस ऑफ लोअर केस लेटर्स। स्मॉल कैप्स में क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं वो क्या आते हैं, कैपिटल लेटर्स में ही आते हैं, ठीक है समझ आया, जो फॉन्ट आएगा वो कैपिटल लेटर्स में आएगा लेकिन जो कैपिटल लेटर्स का साइज होगा वो छोटा होगा,
ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके समझाती हूँ आपको, तब आपको समझ आएगा कि कैसे होगा ये। यहाँ पे इसके दो वेरिएंट होते हैं, नॉर्मल एंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में भी कौन सा, स्मॉल कैपिटल। ओके सो लेट अस स्टार्ट इट। ओके हमारा आ गया, आप ले सकते हो डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप। ओके HTML, देन आपका है हेड। इन हेड वी आर टेकिंग स्टाइल टैग, दिस इज इंटरनल CSS। ओके स्टाइल के अंदर हम क्या करें, क्लास क्रिएट करें पी डॉट नॉर्मल। पी डॉट नॉर्मल इसमें हमने क्या दिया, नॉर्मल क्लास के अंदर हमने दिया फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल, फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल। ठीक है ओके, नेक्स्ट हमने दिया पी डॉट स्मॉल, जो स्मॉल कैप्स में आएगा। स्मॉल कैप्स में मींस कैपिटल लेटर्स में आएगा, लेकिन उनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। फाइन, तो हम यहाँ पे देंगे फॉन्ट, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स। फाइन, देन आपका स्टाइल क्लोज। ओके हेड क्लोज एंड हियर वी आर स्टार्टिंग बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम हेडिंग देते हैं H1, H1 हेडिंग देते हैं द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। फाइंड द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। ओके अब हम क्या करेंगे, क्लासेस का यूज करेंगे। पी क्लास, कौन सी क्लास हम यूज करें, सबसे पहले नॉर्मल, नॉर्मल। ओके इसमें दिस इज नॉर्मल फॉन्ट। फाइन, सेकेंड हम ले लेंगे पी क्लास स्मॉल, हमने क्लास का नेम रखा है स्मॉल। ओके इसमें पैराग्राफ देते हैं दिस दिस पैराग्राफ इज इन स्मॉल कैप। दिस पैराग्राफ इज इन स्मॉल कैप्स। फाइन, पैराग्राफ को हमने कर दिया क्लोज, देन बॉडी क्लोज एंड आपका HTML। ओके नाउ वी विल सेव दिस। सेव करेंगे, इस फाइल का नेम देते हैं फॉन्ट 3.html। फाइन, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। ओके दिस इज आवर फाइल, इसको हम ओपन करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। फाइन लोडिंग। ओके अब देखो, जो हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो क्या है, नॉर्मल फॉन्ट है उसका। दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, नॉर्मल फॉन्ट है। और जो सेकंड पैराग्राफ है उसको आप ध्यान से देखो, उसमें क्या है, कैपिटल लेटर में सारे वर्ड्स। ओके लेकिन क्या है, जो कैपिटल लेटर का फॉन्ट है वो स्मॉल है, राइट उसका जो साइज है वो स्मॉल है। कैपिटल लेटर में है ये सारे वर्ड्स, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो फॉन्ट वेरिएंट में क्या होता है, टू वेरिएंट्स होते हैं, नॉर्मल फॉन्ट एंड स्मॉल कैप्स फॉन्ट। ओके ओके नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट साइज। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द साइज ऑफ फॉन्ट। इससे हम क्या करते हैं, फॉन्ट का साइज सेट करते हैं। ओके और फॉन्ट साइज कैन आप किस किस में स्पेसिफाई, कौन सी यूनिट में स्पेसिफाई करते हैं, लाइक आप उसको पिक्सल्स में दे सकते हो, आप उसको पॉइंट साइज में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो। ओके डिफरेंट डिफरेंट आप उसको यूनिट्स में दे सकते हो। फाइन, तो मैं इसको यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि अगर आपको फॉन्ट साइज देना हो तो आप कैसे दोगे। फाइन, यहाँ पे हमारा हो गया डॉक टाइप HTML,
then HTML, okay, add style. स्टाइल में हम क्या देंगे, जैसे हमें हेडिंग को का फॉन्ट साइज देना है, पैराग्राफ भी ले सकते हैं, हेडिंग भी ले सकते हैं, जिसको भी आपने देना है. ओके तो मैंने इसका दे दिया फॉन्ट साइज 40 pixels. फाइन. नेक्स्ट हमने नेक्स्ट हेडिंग का दे दिया H2 हेडिंग. अगर आए तो H1 हेडिंग आए तो उसका फॉन्ट साइज क्या हो, 40 पिक्सल हो, और H2 हेडिंग आए तो उसका फॉन्ट साइज क्या हो, फॉन्ट साइज हो उसका 30 पिक्सल. फाइन. और अगर पैराग्राफ आए उसका फॉन्ट साइज क्या हो, 14 पिक्सल. ठीक है, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर हम पैराग्राफ यूज करते हैं तो क्या हो, उसका साइज आ जाए 14 पिक्सल. ओके अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल को क्लोज कर दिया, देन हेड क्लोज कर दिया, एंड देन बॉडी बॉडी क्लोज कर दिया. फाइन. H1 दिस इज हेडिंग 1 H1 देन H2 दिस इज हेडिंग 2 H2 then P this is paragraph. ओके तो H1 में क्या होगा, H1 की अप्लाई होगी. फाइन. ओके एंड H2 में H2 की फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, इन पैराग्राफ में पैराग्राफ की अप्लाई होगी. यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और देन हमने HTML को क्लोज कर दिया. ओके इसको हम दे देते हैं फॉन्ट कोड, ले लेते हैं फॉन्ट कोड डॉट HTML. फाइन. अब देखते हैं इसका रिजल्ट फॉन्ट. ओके दिस इज आवर फाइल फॉन्ट कोड डॉट HTML. इसको हम ओपन करते हैं. फाइन. अब देखो फर्स्ट जो हेडिंग थी उसको हमने क्या साइज दिया था, 40 पिक्सल्स का हेडिंग 1 को. ठीक है, हेडिंग 2 को हमने दिया था 30 पिक्सल का, एंड पैराग्राफ को हमने क्या दिया था, 14 पिक्सल का. ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेल एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट साइज दिया है, फॉन्ट साइज. फाइन. नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मीन्स अगर हमें फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई करनी हो तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे. ओके सो हियर वी विल डू. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट. डॉक्यूमेंट टाइप HTML, देन हियर वी हैव HTML. ओके हेड वी हैव स्टाइल. हेड में आपने स्टाइल टैग दिया है, इंटरनल CSS बनाई है. अब हमने क्लास क्रिएट किया है पैराग्राफ स्पेसिफिक. ए क्लास का नेम लिख दिया, ए कुछ भी आप ले सकते हो क्लास नेम. अब इसमें मैंने फॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मैंने फॉन्ट टैग फॉन्ट को यूज करके लिया है. ठीक है तो यहाँ पे एक साथ हम सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे. लाइक मैंने इसका साइज दे दिया 20 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली मतलब और यू कैन से फॉन्ट नेम मैंने दे दिया एरियल. ओके और ये कौन सी फैमिली का है, सेंस सेरिफ. फाइन. तो यहाँ पे देखो आपने क्या फॉन्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है, फॉन्ट के अंदर आपने साइज भी दे दिया और फॉन्ट स्टाइल भी दे दिया. फाइन. नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने क्लास क्रिएट की बी. राइट
इसके अंदर फॉन्ट के अंदर मैंने दे दिया एक साथ इसको वेरिएंट दे दिया इटैलिक इटैलिक बोल्ड ओके और इसका साइज आप दे दो 30 पिक्सल ओके एंड इसमें मैंने फॉन्ट स्टाइल भी दे दिया जॉर्जिया कौन सी फैमिली का ये जेनेरिक फैमिली का ओके देन स्टाइल क्लोज हेड क्लोज बॉडी बॉडी टैग के अंदर हम क्या करते हैं हेडिंग दे देते हैं वन फॉन्ट प्रॉपर्टी फाइन अब हम क्या करेंगे क्लास को यूज करेंगे पी क्लास ए ए क्लास को यूज किया ए क्लास में जो भी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा फाइन तो यहाँ पे हमने क्या दिया है दिस ऐसा पैराग्राफ द फॉन्ट साइज इज सेट टू कितना दिया हमने 20 पिक्सल ओके एंड द फॉन्ट फैमिली इज एरियल ओके देन नेक्स्ट क्लास पी क्लास बी ओके इसमें हम करेंगे दिस इज अ पैराग्राफ दिस इज अ पैराग्राफ ओके द फॉन्ट इज सेट टू इटैलिक एंड बोल्ड द ठीक है इटैलिक और बोल्ड में हुआ है ओके द फॉन्ट साइज इज सेट टू 30 पिक्सल ओके 30 पिक्सल फाइन 30 पिक्सल का हमने साइज दिया इसको ठीक है ओके एंड फॉन्ट फैमिली इज जॉर्जिया ठीक है जॉर्जिया हमने ले लिया पैराग्राफ देन आपका क्या आएगा बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज फाइन इसको सेव कर लेते हैं इसको हमने ले लिया फॉन्ट 5.html फाइन तो यहाँ पे इसको देख ओके लेट अस ओपन इट ओपन करते हैं ठीक है इट इज टेकिंग सम टाइम अब देखो यहाँ पे जो आपने फर्स्ट दिया था ये आपकी हेडिंग थी द फॉन्ट प्रॉपर्टी सेकंड में आपने क्या दिया हुआ था आपका जो आया था वो था पैराग्राफ था 20 पिक्सल साइज था और उसकी फॉन्ट फैमिली थी एरियल ठीक है 20 पिक्सल इसका साइज है एंड फॉन्ट फैमिली क्या है एरियल सेकंड आपका क्या था आपने इसका साइज है 30 पिक्सल ओके बोल्ड एंड इटैलिक बोल्ड है और इटैलिक है और फैमिली कौन सी है जॉर्जिया ओके तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया है क्या किया शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज करके एक साथ आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वैल्यूज को यूज किया है फाइन सो हियर वी हैव डन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉन्ट टैग
ठीक है, हमने सारी प्रॉपर्टीज सारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज यूज कर लिए, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, ओके, एंड फॉन्ट शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, फाइन। टेक्स्ट लेंथ प्रॉपर्टीज यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो लेंथ प्रॉपर्टी वो किस लिए होती है, टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए, ठीक है। अ टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट और राइट अलाइंड, सेंटर और जस्टिफाइड। तो हम टेक्स्ट को लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या जस्टिफाई मतलब करके उसको अलाइन कर सकते हैं, फाइन। तो जस्टिफाई क्या होता है, ओके, हमें पता है व्हाट इज लेफ्ट व्हाट इज राइट। तो जस्टिफाई क्या होता है, व्हेन द टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टीज सेट टू जस्टिफाई, ईच लाइन इज स्ट्रेच सो दैट एवरी लाइन हैज इक्वल विथ एंड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स आर स्ट्रेट। जो लेफ्ट एंड इसमें क्या होता है, वर्ड्स के बीच में स्पेस आ जाता है, जिससे जो लेफ्ट और राइट मार्जिन हो वो क्या हो, इक्वल हो, फाइन। तो अभी एग्जाम्पल की हेल्प से हम करके देखते हैं। पहले हम लेते हैं अलाइनमेंट्स, ओके। सो हियर वी हैव डॉक टाइप HTML, फाइन, HTML हेड स्टाइल। इसमें हमने H1 को अप्लाई करते हैं टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हमने दे दिया हेडिंग 1 को सेंटर, फाइन। देन हमने H2 लिया, H2 को आप ले लो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ओके। देन H3, H3 टेक्स्ट अलाइन राइट, फाइन। यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 हेडिंग्स लिए हैं और उनमें प्रोवाइड उनको प्रॉपर्टी क्या दी है, टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी के की हेल्प से उनको अलाइन कराया है, ठीक है, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, ओके। अब यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी विल क्लोज स्टाइल टैग, देन हेड, एंड देन हियर वी विल स्टार्ट बॉडी, फाइन। बॉडी के अंदर आप क्या दोगे, H1, H1, ओके, H1 इज हेडिंग 1, ऐसे कर लेते हैं, दिस इज हेडिंग, हेडिंग 1, H1, ओके। देन वी हैव H2, दिस इज हेडिंग 2, देन वी हैव H3, ओके, दिस इज हेडिंग 3, देन हियर वी हैव H3, ओके। तो यहाँ पे हमने 3 हेडिंग दे दिए, फाइन। एक पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ, पैराग्राफ आप दे दो, पैराग्राफ हियर दो, 3 हेडिंग्स, अबव आर aligned, aligned center, left and right, okay, then body close and HTML close, fine, को save करेंगे। अब इसको देते हम नेम text2.html, फाइन, text2.html, ओके। हियर वी हैव text2 फाइल, ओपन विद गूगल क्रोम, हम ब्राउजर में इसको ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है, ओके, दिस इज आवर फाइल। तो हमने फर्स्ट में क्या दिया था,
जो फर्स्ट हेडिंग थी सेंटर लाइन, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है, सेंटर लाइन है. ओके, सेकंड हेडिंग आपकी क्या थी, लेफ्ट लाइन, सेकंड हेडिंग के आगे लेफ्ट लाइन. थर्ड आपकी हेडिंग थी राइट लाइन, तो ये आपकी थर्ड हेडिंग आ गई है. पैराग्राफ में हमने कुछ भी अलाइनमेंट नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है. द थ्री हेडिंग्स अबव आर अलाइंड सेंटर लेफ्ट एंड राइट. ओके, सो हियर वी हैव गिवन डायरेक्शंस. ओके, और यू कैन से अलाइनमेंट टू द टेक्स्ट, फाइन. ओके, अब हम क्या करते हैं, जस्टिफाई जो अलाइनमेंट है उसको भी यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट राइट एंड सेंटर को कर लिया है, तो हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं. डॉक टाइप एचटीएमएल, ओके एचटीएमएल हेड स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम देंगे डिव टैग, डिव एलिमेंट, इसको हम प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देते हैं. बॉर्डर हमने दे दिया इसका 1 पिक्सल का. ओके, सॉलिड एंड बाउंड्री उसकी क्या हो, ब्लैक कलर, फाइन. पैडिंग, सेल पैडिंग हमने दे दिया है 10 पिक्सल. पैडिंग मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर. ओके, इसके हमने विड्थ दे दी है 200 पिक्सल. ओके, हाइट, हाइट आपने दे दी अगेन 200 पिक्सल. ओके, अब इसके अंदर जो आप टेक्स्ट दोगे वो आपको क्या दोगे, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन मैंने दे दिया जस्टिफाई. ओके, यहाँ पे आपने स्टाइल को क्लोज कर दिया, देन हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्टेड. बॉडी के अंदर हमने H1 दे दिया, H1 टैग एग्जाम्पल टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लाइन का हमने क्या दिया, जस्टिफाई, जस्टिफाई H1. ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डिव टैग लेंगे, डिव टैग. डिव टैग के अंदर क्या टेक्स्ट लेना है, तो ये मैं क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं. यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया इतना, फाइन, इसको हमने यहाँ पे दे दिया. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, डिव टैग को क्लोज कर दिया. ओके, एंड हियर बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज. ओके, तो यहाँ पे हमने डिव में जो भी टेक्स्ट है उसको अलाइनमेंट दी है जस्टिफाई. इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, text3.html, फाइन. नाउ वी विल सी द रिजल्ट हियर. हियर वी हैव text3 फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम. ठीक है, तो अब आपका ये लोड हो रहा है. देखो यहाँ पे हमारा डिव टैग आ गया है, फाइन. डिव टैग के अंदर आप देखोगे वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनके बीच में क्या है, गैप है. गैप किस लिए होता है, जिससे कि जो आपका लेफ्ट मार्जिन है और जो राइट मार्जिन है वो क्या रहे, सेम रहे, फाइन. सो हेयर वी हैव अप्लाइड जस्टिफाई, जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट. ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट अलाइन लास्ट. ओके, तो इसका क्या यूज है, द टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट. मतलब टेक्स्ट की जो भी आप टेक्स्ट ले रहे हो उसकी जो लास्ट लाइन है आप उसको कैसे अलाइन करोगे, फाइन. वो कैसे, आप टेक्स्ट की लास्ट लाइन को भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो, लाइक राइट लेफ्ट, ओके जस्टिफाई, आप ऐसे उसको अलाइन कर सकते हो. तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना डॉक्यूमेंट. ओके, देन स्टाइल टैग, फाइन.
इसमें हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं पैराग्राफ स्पेसिफिक। हमने पैराग्राफ में एक फर्स्ट क्लास नहीं ए, ओके, और उसमें हमने दे दिया टेक्स्ट अलाइन लास्ट, फाइन। तो जो भी पैराग्राफ ए क्लास को यूज करेगा तो उसकी लास्ट लाइन कहाँ पे अलाइन होगी, राइट में, फाइन। देन पी डॉट बी, ये हमने सेकंड क्लास बनाई बी, ओके, इस पे बना दिया हमने टेक्स्ट अलाइन अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी हमने दी लास्ट सेंटर, फाइन। फिर हमने लिया है नेक्स्ट पी डॉट, मतलब सी क्लास बनाई है पैराग्राफ स्पेसिफिक टेक्स्ट अलाइन लास्ट जस्टिफाई, ओके, स्टाइल क्लोज एंड देन हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड। अब इसमें हम हेडिंग देते हैं H1 दी टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी, फाइन, ये H1 हमारा आ गया, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ में क्लास यूज करते हैं पी क्लास ए, ए क्लास को यूज किया, फाइन, पी क्लास ए, ओके। अब इसमें हम ले लेते हैं यहां से पैराग्राफ यही वाला ले लेते हैं, इतना 2-3 लाइंस ले लेते हैं, लेट अस सपोज हमने यहाँ तक ले लिया, कंट्रोल सी एंड हियर, कंट्रोल वी, फाइन, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया पैराग्राफ को। देन पी क्लास, कौन सी क्लास लेंगे हम, बी, बी क्लास का यूज करते हैं, कंट्रोल वी, सेम हमने पैराग्राफ ले लिया है, ओके, एंड देन क्लोज, फाइन। देन आपने पी क्लास, पी क्लास हम लेंगे सी, सी क्लास का यूज करेंगे, कंट्रोल वी, फाइन, ओके। यहाँ पे हमने पैराग्राफ को कर दिया क्लोज, ओके। नाउ अब क्या करना है हमें, सिंपली बॉडी क्लोज एंड आपका एस्टीमेट क्लोज, ओके। तो ये हम लास्ट लाइन को हम अलाइन करें, इसको सेव कर लेते हैं, इसको हमने दे दिया TEXT टेक्स्ट 4.html, फाइन। ये हमारी टेक्स्ट 4.html फाइल आ गई है, फाइन, ये लोड हो रही है, ये देखो। तो जो हमने फर्स्ट दिया था, फर्स्ट आपका क्या था, टेक्स्ट लाइन राइट, जो लास्ट वाली लाइन थी टेक्स्ट लाइन लास्ट राइट, तो आपकी देखो फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन कहाँ चलेगी, राइट में लास्ट लाइन। सेकंड में आपने क्या किया था, टेक्स्ट लाइन लास्ट सेंटर, तो आपकी ये कहाँ पे आ गई, सेंटर में, फाइन। थर्ड आपने दिया जस्टिफाई, तो देखो जस्टिफाई के लिए क्या होता है, आपके जो पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी उसके वर्ड्स के बीच में इक्वल गैप आया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, जस्टिफाइंग अलाइनमेंट, ओके। सो व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट प्रॉपर्टी इज अ पोजीशनिंग प्रॉपर्टी, ये क्या है, पोजीशनिंग प्रॉपर्टी है, इट इज यूज्ड टू पुश एन एलिमेंट टू द लेफ्ट और राइट अलाइंग अदर एलिमेंट टू रैप अराउंड इट। तो ये क्या करती है, इसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट में या राइट में क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, उसको अलाइन कर सकते हो, और जो अदर एलिमेंट्स होंगे लाइक टेक्स्ट पैराग्राफ वो उसके अराउंड क्या हो जाएंगे, रैप हो जाएंगे। बेसिकली किसके लिए यूज होती है, इमेजेस के लिए एंड लेआउट, ओके। लेट अस स्टार्ट डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप मींस डॉक्यूमेंट टाइप, ओके, HTML
हेड वी हैव टेल टैग, यहाँ पे हम इंटरनल सी एस एस क्रिएट कर रहे हैं. ओके आई एम जी एलिमेंट, आई एम जी एलिमेंट के अंदर हमने फ्लोट प्रॉपर्टी दी है. ओके एंड इसका हमने क्या दे दिया, फ्लोट की वैल्यू दी है राइट. ओके तो जब आप इमेज लोगे तो वो कहाँ पे अलाइन करेगी, राइट में. स्टाइल क्लोज एंड हेड क्लोज, फाइन. बॉडी, नाउ वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग. बॉडी इन बॉडी H1 आप हेडिंग ले लो. फ्लोट राइट. ओके नेक्स्ट यू कैन राइट द पैराग्राफ हियर. इन दिस एग्जाम्पल द इमेज विल फ्लोट टू द राइट इन द पैराग्राफ एंड द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ पैराग्राफ एंड द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ विल रैप अराउंड द इमेज, फाइन. पैराग्राफ क्लोज. ओके नाउ अगेन वी आर टेकिंग अ पैराग्राफ. ओके बेसिकली वी आर टेकिंग इट फॉर वन लाइन गैप. इमेज आई एम जी एस आर सी. ओके हियर वी विल पेस्ट द यू आर एल ऑफ इमेज. ओके ओके सो दिस इज द यू आर एल ऑफ इमेज. ठीक है यू आर एल ऑफ इमेज. ठीक है आप यहाँ पे इमेज जो टैग है उसकी और भी एट्रीब्यूट दे सकते हो, हाइट विथ जो देना चाहते हो, बट सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, URL दे दिया है, फाइन. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट देंगे, राइट. टेक्स्ट देंगे तो टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं. ये हमारा टेक्स्ट आ गया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, फाइन. और यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ओके ये हमने टेक्स्ट ले लिया है. नाउ वी विल क्लोज द पैराग्राफ टैग हियर, फाइन. हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया. Now body tag and then HTML. Okay, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज आएगी वो कहाँ आएगी, राइट लेंगे राइट साइड पे आएगी. ओके और जो ये हमने टेक्स्ट लिया है वो उसको रैप करेगा, फाइन. तो यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ वी विल सेव आर फाइल. इसको हम ले लेते हैं float float .html. Right now we will see the result here. This is our file float, open with Google Chrome browser. में इसको open कर लेते हैं. It is taking some time. ठीक है load हो रही है file आपकी. Okay see अब आपका result आ गया float right. ठीक है देखो अब यहाँ पे जो इमेज आई है वो राइट में आई है और जो हमने पैराग्राफ लिया था वो उसको रैप कर रहा है. ठीक है वो उसको कम्प्लीटली रैप कर रहा है और आपकी इमेज कहाँ आई है, राइट में आई है, फाइन. ओके अब आप चाहते हो इसको लेफ्ट में अलाइन कराना इमेज को, तो हमने फ्लोट को दे दिया वैल्यू लेफ्ट राइट और यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे फ्लोट लेफ्ट. ओके राइट अब इसको सेव कर लेते हैं. कंट्रोल एस हमने इसको सेव कर लिया है. नाउ जो आपका जो प्रीवियस फाइल है उसको रिफ्रेश करना है ओनली. नाउ यू कैन सी कहाँ पे आ गई आपकी इमेज, आपकी इमेज लेफ्ट में आ गई है और जो टेक्स्ट है उसको रैप कर रहा है, फाइन. इट इज सराउंडिंग द इमेज, फाइन. तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में आ गया है. ओके नेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि फ्लोट अगर आप देना चाहते हो उसकी वैल्यू नन, ठीक है अगर नन दोगे तो क्या होगा, जहां पे ब्राउजर में उसकी पोजीशन है इमेज की वो वहीं पर आएगा, फाइन. तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ फ्लोट नन, एनओ एनी नन. और यहाँ पे इन दिस एग्जांपल द इमेज विल बी, इसको हम कर देंगे यहां से द इमेज विल बी displayed just where
it occurs in the text, ठीक है, जहां पे इमेज की पोजीशन है वहां पर ही क्या होगी, इमेज आपकी डिस्प्ले करेगी, क्योंकि हमने फ्लोट की वैल्यू अभी क्या दी है, नन, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। नाउ सिंपली आपको रिफ्रेश करना है, ये हमारा फ्लोट लेफ्ट था, ठीक है, प्रीवियस फाइल, इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने हेडिंग दी थी, फिर आपने पैराग्राफ दिया था, देन इमेज टैग दिया था, उसके बाद आपने टेक्स्ट दिया था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द जो भी हमने दिया है ना टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग इमेज का डिस्प्ले हुआ है, फाइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, अगर हम चाहते हैं जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आए, एक दूसरे के बाद आए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के बाद आए, दे शुड कम नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी, राइट। तो जिससे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो नेक्स्ट एलिमेंट उसके लेफ्ट में आएगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट उसके लेफ्ट में आएगा, लाइक दिस। ओके, सो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। Doc type HTML, fine, then we have HTML head style, okay, style में हम लेते हैं div element, यहाँ div is a container element, okay, इसमें हम दे देंगे float left, fine, then padding, cell padding है, cell not cell padding, it's a जो div की property हमने use किया, एक attribute use किया है, padding, padding क्या होता है, the distance between the content of the container and the walls of the container, ठीक है, और you can say edge of the container, ये हम पहले भी कर चुके हैं padding, right? अब हम class लेंगे div1, आप ऐसे भी ले सकते हो div dot div1 class, यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हो, class ले रहे हो, और कौन सी specific class है, div specific class है, div1, ठीक है, इसमें हमने background ले लिया, background red, fine, then we have div dot div2, तो यहाँ पे div1 और div2 क्या है, classes के name है, fine, और वो क्या है, div specific class है, यहाँ पे अगर हमने p लिखा होता, अगर यहाँ पे हमने letter suppose हमने p लिखा होता, p dot div1, तो क्या होती है, paragraph specific class होती, fine, आप class name कुछ भी ले सकते हो, background येलो, ओके, देन वी हैव डिव डॉट डिव थ्री क्लास, फाइन, बैकग्राउंड ग्रीन, देन स्टाइल क्लोज एंड हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड, ओके। अब बॉडी में आप क्या दोगे, यहाँ पे हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, एच वन हेडिंग, फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर, fine, this is our heading, now paragraph, in this example the three divs will float, the three divs will float next to each other, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, थ्री डिव टैग्स ले रहे हैं, थ्री
कंटेनर्स ले रहे हैं, फाइन। अब सबसे पहले आपने लिया div क्लास, इसमें आप कौन सी क्लास यूज कर रहे हो, div1, div1 क्लास, ठीक है। div1 में आपने बैकग्राउंड कलर लिया है रेड, ओके, और आपने इसमें टेक्स्ट लिख दिया div1 सिंपली, एंड देन div क्लोज, ओके, देन div क्लास, हियर वी हैव div2, यहाँ पे आप div2 क्लास को यूज कर रहे हो, आपने टेक्स्ट लिखा div2, फाइन, देन div क्लास, यहाँ पे हम यूज करें div3, ओके, div3, एंड देन div क्लोज, फाइन, body close and your html close, okay। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, control s, यहाँ पे लिख लेते हैं div.html, fine, now we will see the result, okay, this is our file, open with google chrome, okay, it is taking some time, देखो यहाँ पे हमने पहले लिया था div1, ठीक है, उसमें आपने लिया था red color, then div2 येलो कलर, एंड डिव थ्री आपने लिया था ग्रीन कलर, और डिव टैग के अंदर हमने क्या दिया था कि जितने भी डिव आएंगे, कंटेनर टैग्स आएंगे, वो फ्लोट कहाँ करेंगे, लेफ्ट में, तो ये हमारा फर्स्ट आया, सेकंड कहाँ आ गया, फर्स्ट के लेफ्ट में, फिर थर्ड कहाँ आ गया, सेकंड के लेफ्ट में, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट्स क्या करें, एक दूसरे के नेक्स्ट फ्लोट करें, फाइन, ओके, सो इन दिस वे यू कैन अरेंज एलिमेंट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, ओके। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.